नमस्कार वंस अगेन दोस्तों, वेलकम है आप सबका आज के इस जूम लाइव ट्रेनिंग सेशन में। और जैसा कि ये फेसबुक पे भी मैं लाइव कर चुका हूँ, मेरे फेसबुक के दोस्तों को इस पीपीटी को देखने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई डिमांड फेसबुक पे भी करते हैं तो मैं उनको ये पीपीटी शेयर करूंगा। और आज हम बात करेंगे हमारे सबसे चमत्कारी मशीन BCM मशीन के बारे में, ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर मशीन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहले मैं इस पीपीटी को ऑन कर लूँ। YouTube पे भी लाइव है। जी सर, अच्छा तो ये सेशन YouTube पे भी लाइव है, आप हेल्थोपिया के YouTube चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। ये अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स TN's हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि TN's दुनिया की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास ये यूनिक रेंज है हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स की, और उसमें हमारा सबसे खास है ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर। ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर क्यों खास है, इसके बारे में हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के लिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारी कंपनी एक बायोटेक रिसर्च कंपनी है, हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनी है। शारीरिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और एंशियंट टाइम से किसी अनपढ़ इंसान से भी पूछे, बच्चे से भी पूछे, फिजिकल हेल्थ के लिए वो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, क्योंकि न्यूट्रिशन पे काम करने वाली, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। हमारी कंपनी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे काम करती है, और न्यूट्रिशन के रोल को हेल्थ के मैटर में नकारा ही नहीं जा सकता। लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? Our body is the unique combination of two sections, physical and mental, मानसिक और शारीरिक। दोनों ही चीजों से हमारा शरीर मिलके बना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं है, अगर हम मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं है। एक्सरसाइज हैज मेनी फिजियोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल बेनिफिट्स। तो ऐसे बेनिफिट्स के लिए उसमें से एक इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज की जरूरत क्यों है, वो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, खून के रक्त के दौरे के लिए। आप सब जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर में खून होता है, हम जब कुछ खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, उसमें से कुछ हिस्सा खून में भी कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट होता है। ब्लड में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन खून का काम क्या है? खून का काम, खून एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो बॉडी में हर जगह ट्रेवल करता है, हर टिश्यू तक, हर ऑर्गेन तक ट्रेवल करता है, और ब्लड के साथ ही ये हमारे शरीर का लाइफ गिविंग फ्लूइड है। जो भी हम खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, अगर कोई कंपनी या हमारी कंपनी केवल न्यूट्रिशन बनाती है और वो न्यूट्रिशन हम खाते भी हैं, लेकिन उसका फायदा तभी हमें मिलेगा। बहुत सारी कंपनी के बारे में आपने सुना होगा कि जब उनका प्रेजेंटेशन आप सुनते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सेलुलर न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। एस अब्दुल्ला जी, अभी कोई हैंड रेज ना करें, मैं बार बार बता रहा हूं, अभी प्लीज हैंड रेज ना करें। हम बार बार सुनते होंगे इस वर्ड को कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे न्यूट्रिशन सेलुलर न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। सेलुलर न्यूट्रिशन मतलब हर सेल तक, बॉडी, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी ऑर्गेन से बनी है, अंगों से बनी है, हर अंग कुछ टिश्यूज से बना हुआ है, उत्तकों से बना हुआ है, हर टिश्यूज कुछ सेल्स से बना हुआ है। तो सेलुलर न्यूट्रिशन यानी बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिशन देना, पोषण देना, ये न्यूट्रिएंट्स का काम है। अब आप ये सोचिए कि सेल्स तक, बॉडी में सेल तो हर जगह है और बॉडी के हर पार्ट में सेल्स हैं, हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा कैसे, उसका कैरियर कौन है? तो हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करने का काम ब्लड करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर जो वेस्ट मटेरियल है जो शरीर में, जब हम कुछ भी खाते हैं या सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है या हम पानी पीते हैं, तो इन सारी चीजों के साथ हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी जाते हैं जो जिनकी शरीर में जरूरत नहीं है, जो शरीर के लिए टॉक्सिन्स होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो हर सेल तक न्यूट्रिशन को, खाने को और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम
और हर सेल से वापस जो वेस्ट मटेरियल है, जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जो टॉक्सिन्स है, उसको वापस ला करके प्योरीफाई करके शरीर से बाहर निकालने का काम मल मूत्र के द्वारा, तो वापस लाने का काम और जो अच्छी चीज है, जो न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन है, पहुंचाने का काम ये हमारा खून करता है। तो हम दुनिया का बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट खा लें, अगर हमारे शरीर में हर सेल तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा, तो उस न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो है, उस न्यूट्रिशन की वैल्यू जीरो है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपने आपके घुटने में दर्द है या आपके सिर में दर्द है, आप उसके लिए न्यूट्रिशन लीजिए या एलोपैथी मेडिसिन लीजिए या होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उसको खाते हैं, वो आपके डायरेक्ट घुटने में नहीं जा रहा या डायरेक्ट सिर में नहीं जा रहा। कभी सिर दर्द होने पे किसी को देखा है कि सिर में छेद करके, ड्रिल करके कोई इंजेक्शन लगा रहा है या सिर में छेद करके कोई गोली डाल रहा है? ऐसा नहीं होता। हम टैबलेट्स खाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, वो जाता है लिवर में, डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें जो न्यूट्रिशन है या उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसमें जो कंटेंट्स हैं, वो ब्लड के द्वारा बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद उस पार्ट में उसका फायदा होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर उस बॉडी के पार्ट तक, यानी आपके घुटने तक या आपके सिर में या आपके किडनी में या कहीं भी आंखों में, अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है मतलब या तो खून पहुंच नहीं रहा या जितना उस ऑर्गेन के सेल को खून पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो चीज आपने खाई है उससे जो वैल्यू उस बॉडी के ऑर्गेन के सेल्स को मिलना चाहिए वो वैल्यू या तो नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। यानी आपको जो शारीरिक लाभ होना चाहिए, आपको जो स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, आपको जो फायदा होना चाहिए बॉडी में, वो फायदा या तो नहीं होगा या कम होगा। यानी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको ये नुकसान होगा। दूसरा, आप कुछ भी खा रहे हैं उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल जाए, जैसे आप एलोपैथी मेडिसिन खा लिया आपने, उसके बोलते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट आज के जमाने में बढ़ गए हैं मेडिसिन के। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे शरीर को तो कुदरत ने बहुत अच्छा बनाया कि जो चीज ऐसी पहुंचती है शरीर के पास या सेल्स के पास जो उनको नहीं चाहिए, जो उनके लिए प्राण घातक है, जो उनके लिए नुकसानदेह है, उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं। वो वापस क्या करता है, ब्लड जब वापस जाएगा तो उसको लेकर के जाएगा, किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होगा, जो साफ खून है वो शरीर में रह जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। लेकिन खून तो पहुंच नहीं रहा है या कम पहुंच रहा है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी पूरी तरह से नहीं ला पाता है वो, यानी वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा होता जाता है, टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं, टॉक्सिन्स के अलावा, इसके अलावा जो मटेरियल हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जैसे फैट नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, फैट कुछ फैट चाहिए कुछ फैट नहीं चाहिए, कुछ कोलेस्ट्रॉल चाहिए कुछ कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, इस तरह के बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं। मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, इसके अलावा बहुत सारे जगह पे ब्लॉकेज आने लगते हैं, क्लॉट्स होने लगते हैं, ट्यूमर बनने लगता है और कैंसर का कारण भी बनता है। यानी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो आपका शरीर कमजोर तो होगा ही, बीमारियां ठीक होने में वक्त तो लगाएंगे ही, साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होने भी लगेंगी आपको, इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होने लगेंगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, क्योंकि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होती है चीज, वो है एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को क्यों, एक्सरसाइज नेग्लेक्ट क्यों होता है? आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन की फोटो है। एक्सरसाइज नेग्लेक्ट क्यों होता है? लोग बिजी हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है, मौका नहीं है, या कई लोगों के पास शारीरिक वीकनेस इतनी है कि वो एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत तरह के रीजंस हैं, या लोग आलसी हो गए हैं, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है, या समझते हैं तो इग्नोर करते हैं, तो इसकी वजह से इग्नोर होता रहता है। लेकिन बहाना मोस्टली वो क्या बनाते हैं कि वक्त नहीं मिलता, ध्यान नहीं रहता, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरा बिजी शेड्यूल है, मेरा बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। दूसरा बहाना क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, और बहुत सारी तरह की चीजें, मौसम खराब है, बाहर पॉल्यूशन कितना है, जैसे दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, उनके पास तो एक स्टैंडर्ड बहाना है कि बाहर एक्सरसाइज करने कैसे जाएं।
बाहर तो पोल्यूशन बहुत है, इन सारी चीजों का समाधान आपको प्रोवाइड करता है ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, जो एक ऑप्टिमम एक्सरसाइज कुदरत के हिसाब से जितना एक्सरसाइज होना चाहिए शरीर के हर सेल तक, आखिरी सेल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए जितना एक्सरसाइज जरूरी है उतना एक्सरसाइज ये करवा देता है। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक 14.5 किलो की मशीन है, ग्रीन कलर की है, इस पे ऊपर एक ब्लैक कलर का प्लेट है जो आप लोग फोटो में देख रहे हैं। इसमें ये तीन चीजों पे बेस्ड है, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी वाला एक्यूप्रेशर, जो हमारे पैरों के रिफ्लेक्स पॉइंट है वहां पे 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको ये एक साथ स्टिमुलेट करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा तो प्लेट मार्केट में मिलता है, 700 रुपए का मिल जाता है, 600 रुपए का मिल जाता है, तो इसमें ऐसा खास क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में हम दूसरी चीज के बारे में जानेंगे, तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें खास क्या है। दूसरा है वाइब्रेशन, इसका जो मोटर है, इसके अंदर एक मोटर है, वो मोटर भी खास है। वो खास क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा। उस मोटर, वो वाइब्रेशन, ये सीधा हिलने वाला वाइब्रेशन नहीं है, वो सर्कुलर वाइब्रेशन है, स्पाइरल वाइब्रेशन है। स्पाइरल वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे आपने किताबें कापियां होती है ना बच्चों की, जिसमें स्पाइरल बाइंडिंग होती है, वो गोल सा होता है, जैसे पेन का स्प्रिंग होता है, जब आप उसको घुमाते हैं तो वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होता है और निकल जाता है। तो जब स्पाइरल वाइब्रेशन होता है, कोई भी चीज जब स्पाइरल होती है, चक्रवात जो होता है, चक्रवाती तूफान उठते हैं, आपने देखा होगा, अपनी कंट्री में तो नहीं आता लेकिन यूएस वगैरह में आता है, तो चक्रवाती तूफान इतना मजबूत होता है, इतना ताकतवर होता है कि वो बड़े बड़े पेड़ को, गाड़ियों को, घरों तक को जमीन से उखाड़ के हवा में उड़ा देता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, उसमें वो चक्रवात की तरह स्पाइरल की तरफ घूम के उड़ जाता था। तो स्पाइरल वाइब्रेशन की, स्पाइरल मोशन की टेंडेंसी क्या होती है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ट्रैवल करता है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके साथ एक पुअर चीज ये भी है कि जो हमारा जो हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है वो शरीर में ऊंचाई पे है। जब हम खड़े होते हैं तो जब वो ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट जो है, वैसे तो आज के जमाने में हार्ट किसी का इतना स्ट्रांग नहीं है हमारा हार्ट, लेकिन फिर भी उसके पंप करने की ताकत क्षमता कम हो जाती है, पोल्यूशन और बहुत सारे लाइफस्टाइल, हार्ट का कमजोर होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और ब्लड की कमी भी, ये सारी चीजें फैक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें, उसको पंप कर इतनी जोर से करना चाहिए खून को कि वो नीचे तक जाए, पैरों के स्किन तक, लास्ट तक, लास्ट सेल तक, और उसके बाद वापस हार्ट तक आए, ऊपर ब्रेन आर्टरीज तक जाए, ब्रेन तक जाए और वहां से वापस आए। तो ऊपर तो पंप होता है, हार्ट से ब्रेन नजदीक है, ऊपर तो जाता है लेकिन ऊपर जाने में उसको क्या चीज रोकती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी द्रव्यमान को जिसमें कोई वजन होती है अपने से दूर जाने से रोकती है, अपनी तरफ खींचती है, जो हमारा अर्थ है। वैसे ही खून जब पैरों की तरफ नीचे ट्रेवल करता है तो चला तो जाता है, लेकिन पैरों से जब उसको ऊपर आना होता है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन उसको ट्रेवल करना होता है, तो वहां पर फिर मुश्किल आती है, तो फिर खून वापस ऊपर आ नहीं पाता है। तो ये जो स्पाइरल मोशन है, जब आप बीसीएम मशीन पे खड़े होते हैं तो आपके शरीर के अंदर का जो फ्लूइड है वो स्पाइरल मोशन में घुमाता है। इसका जब आप देखेंगे कोई बीसीएम मशीन पे खड़ा होता है तो अगर उसने पैरों में एंकलेट या पायल जिसको कहते हैं वो पहना हुआ है तो पायल गोल गोल घूमता है, प्लेट सीधी है, प्लेट के ऊपर खड़ा इंसान सीधा खड़ा रहता है, इंसान नहीं घूमता लेकिन उसके पैरों में पायल गोल गोल घूमती है। अगर किसी भारी बॉटल में आप पानी भर के रख दें तो आप देखेंगे बॉटल सीधी खड़ी रहेगी, उसके अंदर पानी गोल गोल घूमता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर का लिक्विड गोल गोल घूमता है, वो स्पाइरल मोशन होता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है अपने आप ऊपर चढ़ने की। तो जब वो ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होता है, वो ऊपर सही से पहुंचता है, फिर वापस आता है, फिर ऊपर सही, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऑप्टिमम हो जाता है नीचे की तरफ। दूसरा, हार्ट से ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को भी ले जाने के लिए वो हेल्प करता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। नीचे तो वहां से, ब्रेन ऊपर है तो ब्रेन से नीचे तो आ जाता है लेकिन वहां ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये दोनों काम को वो पूरा करता है। दूसरा, जो हमारे ब्लड के ट्रैवल के लिए जो हमारे शरीर के अंदर नलियां हैं, वो नलियां क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और दूसरा, आपको एक चीज बता दूं, हमारे शरीर में खून के ट्रैवल के लिए जो नलियां हैं उनकी लंबाई इतनी है कि अगर उसको निकाल के सीधा किया जाए तो चांद तक जाके वापस आ सकती है। और ये 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के शरीर में उसको फिट किया गया है। इतनी लंबी नली जो चांद तक जाके वापस आ जाए उसको इतने छोटे से शरीर में फिट किया गया है। तो अगर ब्लॉकेज ना भी हो, वैसे तो नॉर्मली आजकल का खान पान और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सबके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, गंदगी है, ब्लॉकेज होते हैं, लेकिन अगर ब्लॉकेज ना भी हो तो उसमें इतने सारे मोड़, घुमाव, ज्वाइंट्स, ब्रांचेज हैं
कि उसकी वजह से भी ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। लेकिन जो दूसरा जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को ये कैसे, जो ये प्रेशर है 7200 आरपीएम का जो स्पाइरल वाइब्रेशन है, वो जो प्रेशर जनरेट करता है, वो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, पूरे नली में सुचारू रूप से पहुंचाने का काम करता है। दूसरा, ये ब्लॉकेज को हटाने में भी काम करता है। ये ब्लॉकेज को हटाने में कैसे काम करता है, आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर साफ करना हो, जो लोग अभी जूम पे हैं उनको ये बॉटल नहीं दिख रही होगी क्योंकि उनको ये पीडीएफ फाइल दिख रहा है, तो ये फेसबुक वालों को दिख रहा होगा। अगर ये बॉटल को साफ करना हो तो इसका ढक्कन खोल के मैं इसके अंदर जो ब्रश है वो उसको स्पाइरल मोशन में घुमाता हूं। ब्रश को सीधा या साइडवाइज नहीं घुमाते, ब्रश को हम स्पाइरल मोशन में घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं उन, तो क्या होता है, ब्रश बॉटल की दीवारों के साथ रगड़ खाता है और दीवारों के साथ जो चिपकी हुई गंदगी है उसको साफ करता है। अगर हम ब्रश को ऐसे ऐसे सीधा साइडवाइज हिलाएं तो वो पूरी तरह से साफ नहीं कर पाएगा। बॉटल को, ग्लास को अगर साफ करना हो, कोई भी सिलेंड्रिकल चीज को जब साफ करना हो, तो हम हाथ को या ब्रश को स्पाइरल मोशन में उसके अंदर घुमाते हैं ताकि दीवारों के साथ चिपकी हुई गंदगी, तो हमारे शरीर में खून की धमनियों के अंदर, ब्लड खून की नलियों के अंदर जो गंदगी उसकी दीवारों के साथ चिपकी हुई रहती है, चाहे वो फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो या कोई और सोल्यूबल गंदगी हो, उन सब को जब खून हमारे नलियों में अंदर गोल गोल घूमता है तो वो दीवारों के साथ रगड़ खाता हुआ घूमता है और 90% गंदगी को वो वैसे ही निकाल देता है। और सिंस ब्लड सर्कुलेशन आपका ऑप्टिमम हो चुका है तो सारी गंदगी वापस आएगी और शरीर का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होगा, यानी शरीर में वेस्ट मटेरियल के होने की वजह से या टॉक्सिन होने की वजह से जो बीमारियां होने वाली हैं वो रुक जाती हैं। पुअर ब्लड सर्कुलेशन के होने की वजह से जो बीमारियां होने वाली है वो रुक जाती हैं, वो नहीं होती हैं। यानी लगभग 250 से ज्यादा बीमारियां जो इस तरह की हैं, जो टॉक्सिन्स की वजह से या पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है, उनसे ये बचाता है। इसके अलावा ये मसाज इफेक्ट भी देता है जिससे हमें आराम मिलता है। जब हमारे पैरों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको ये मसाज करता है, उनको ये स्टिमुलेट करता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे हमें दर्द में भी राहत मिलती है, तो ये पेन रिलीफर का भी काम करता है। अब मैं बताऊं ये आपको नेचर के करीब कैसे ले जाता है। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में लोग चप्पल नहीं पहनते थे, खाली पैर ज्यादा चलते थे, तो पैरों में कंकर पत्थर छोटे छोटे चुभते रहते थे, तो उनसे एक्यूप्रेशर इफेक्ट मिलता था। वो ये मशीन दे रही है। ट्रू मार्केट में बहुत सस्ते कीमत में एक्यूप्रेशर प्लेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सारे एग्री करेंगे कि जब दीवार में हमें कील ठोकनी होती है, जब दीवार में हमें कील ठोकनी होती है तो हम क्या करते हैं। कील ठोकने का एक तरीका है कि हम उसको हैमर करें, हथौड़े से ठोक दें। दूसरा होता है हम उसको ड्रिल करें, ड्रिल से। जब हम हथौड़े से कील ठोकने की कोशिश करते हैं तो कभी कील टेढ़ी हो जाती है, कभी प्लास्टर झड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कील ठीक से नहीं लगती। यानी दीवार के ऊपर, दीवार की सरफेस के ऊपर गलत ढंग से प्रेशर पड़ता है, गलत ढंग से फोर्स पड़ता है। लेकिन जब हम ड्रिल से उसको करते हैं तो एकदम एक्यूरेट प्रेशर होता है। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूरेट प्रेशर है। अगर प्रेशर एक्यूरेट नहीं होगा तो उसका इफेक्ट भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो जब हम इस बीसीएम के एक्यूप्रेशर प्लेट पे खड़े होते हैं तो वो जो स्पाइरल मोशन है वो एक ड्रिल की तरह काम करता है। और उसी परफेक्ट, अगर आपके पैरों की पोजिशनिंग परफेक्ट है तो आपके परफेक्ट रेफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे वो स्पाइरल ड्रिल की तरह एकदम एक्यूरेट प्रेशर देता है, जिससे इसका इफेक्ट जो है, जो नॉर्मल एक्यूप्रेशर प्लेट पे जब आप खड़े होते हैं और बीसीएम के एक्यूप्रेशर प्लेट पे जब आप खड़े होते हैं और वो बीसीएम मशीन ऑन करते हैं तो इसका इफेक्ट 70 times बढ़ जाता है। 70 times नॉर्मल एक्यूप्रेशर प्लेट पे खड़े होने से। यानी उस एक्यूप्रेशर प्लेट पे 70 दिन खड़े होने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बीसीएम के एक्यूप्रेशर प्लेट पे 1 दिन में मिलेगा। 70 गुना ज्यादा रिजल्ट होता है इससे। इसके अलावा इसमें एक और खूबी है, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 15 मिनट के अंदर, 15, ये आप देख सकते हैं जो हमारे एक्यूप्रेशर चार्ट बने हुए हैं। फेसबुक के दोस्तों से क्षमा चाहूंगा, उनको ये पीडीएफ नहीं दिख रहा है, मैं जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अगर आप डिमांड करेंगे तो। ये आप देख सकते हैं, ये एक्यूप्रेशर चार्ट में दिखा रहा है आपको कि कहां कहां पे कौन कौन से ऑलमोस्ट शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है सबका एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सबको ये स्टिमुलेट करता है, सबको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर देता है और सारे ऑर्गेन अपने आप ही हेल्दी और रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपको ये ऑलमोस्ट सारी बीमारियों से बचा लेता है। इसके अलावा
इससे ये काम कैसे करता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन देता है, स्पाइरल वाइब्रेशन देता है, डीपर मसाज जो मैंने बोला वो ड्रिल वाला इफेक्ट, रीच प्रेशर पॉइंट्स, एकदम एक्यूरेटली प्रेशर पॉइंट्स को ये स्टिमुलेट करता है, ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, ऑप्टिमम बनाता है इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो गया तो इम्यूनिटी तो बढ़ ही जाएगी, साथ साथ में मेटाबॉलिज्म भी आपका इंप्रूव होगा। हेल्थ प्रिजर्वेशन, जैसा मैंने आपको बताया लगभग 250 बीमारियों से बचाने का काम करता है, तो ये हेल्थ प्रिजर्वेशन का काम करता है। अब ये माइक्रो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, आप देख सकते हैं जो मैंने बताया कि ये नलियों को अगर सीधा किया जाए ये कैसा जाल होता है, ये आप हमारे शरीर के अंदर वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर प्रॉपरली ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए आप समझ सकते हैं। तो ये दुनिया की एकमात्र मशीन है जिसका मोटर 7200 आरपीएम पे घूमता है। दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, आप देखते हैं कि जब हमारा जो आरपीएम का काटा है ना, जिनके गाड़ी में ऑडोमीटर लगा हुआ है और उसके साथ आरपीएम शो होता है, वो देखेंगे जब आरपीएम का काटा 2500 पे होता है तो हमारी स्पीड 80 क्रॉस करती है, 3000 पे पहुंचते ही हम 100 की स्पीड क्रॉस कर जाते हैं, यानी 3000 आरपीएम पे जब मोटर घूमता है तो हमारी गाड़ी की स्पीड, इतनी भारी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। तो सोचिए बीसीएम के मोटर की स्पीड 7200 आरपीएम है, तभी ये यहां से चांद तक पहुंच के वापस आने वाली जो इतनी सारी नलियां, इतने सारे ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच में हर सेल तक, बॉडी के आखिरी सेल तक ऑप्टिमम ब्लड सर्कुलेशन को एंश्योर कर पाता है। यूजिंग प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बीसीएम मशीन है इसके बारे में रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि 15 मिनट बीसीएम के ऊपर खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक या 1.5 से 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने के बराबर है। अब लोग बोलेंगे आपसे कि फिर तो हम वॉक पे चले जाएंगे, फिर तो हम जॉगिंग कर लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि डेफिनेटली अगर आप जॉगिंग करेंगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन 7200 आरपीएम पे जो ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आती है, अगर वो इंप्रूवमेंट आपको जॉगिंग से चाहिए तो आपकी जॉगिंग की स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ सकते हैं लेकिन हार्डली 3 से 5 मिनट। कितने भी हेल्दी हैं आप, कितने भी फिट हैं, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप 3 से 5 मिनट ही दौड़ सकते हैं। इतनी देर में आप कितना दौड़ पाएंगे, हार्डली 400 से 600 मीटर, यानी इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, यानी आपके बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट कभी पूरी नहीं होगी जो होनी चाहिए। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, आपको ये रिफ्लेक्सोलॉजी का इफेक्ट नहीं मिलेगा, मसाज इफेक्ट नहीं मिलेगा। जब बीसीएम पे आप खड़े होते हैं तो आप 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग तो करते हैं लेकिन थकते नहीं हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल जमीन पे या जिम में जाके ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे 4 से 5 किलोमीटर के बराबर तो आप थकेंगे। जब आप बीसीएम पे खड़े होते हैं तो आपके शरीर के जॉइंट्स पे, जैसे एंकल पे या घुटने पे या कमर पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, उनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोई 100 किलो का इंसान है, वो वजन कम करना चाहता है, वो रोज 4-5 किलोमीटर अगर दौड़ता है या ट्रेडमिल पे इतनी देर दौड़ता है तो नॉर्मल वेट उसका अगर 65 होना चाहिए तो 35 किलो एक्स्ट्रा वजन लेकर के रोज दौड़ रहा है। सोचिए एक आम इंसान को अगर सिर पे 35 किलो की बोरी रख दी जाए और उसको बोला जाए दौड़ो तो उसके शरीर को कितनी थकान होगी। तो जब आप इतने वजन के साथ दौड़ते हैं अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए और कैलोरी बर्न करने के लिए, वजन घटाने के लिए, तब एक्चुअली में आप अपने शरीर पे, खास तौर पे अपने जॉइंट्स पे, वेस्ट पे, कमर पे, घुटने पे और एंकल पे अत्याचार कर रहे होते हैं। आज जो यंग एज में लोगों को खासतौर पे वेट ज्यादा होने से कमर दर्द, घुटने की प्रॉब्लम, घुटने की कार्टिलेज लोगों की 40-45 की उम्र में खत्म हो रही है, नी पेन शुरू हो रहा है, इसका रीजन यही है। तो ये आपको उससे बचाता है। इसके बाद जब आप दौड़ते हैं पोल्यूशन की वजह से सबके लंग्स, फेफड़े और हार्ट वीक है, जब आप दौड़ते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बट उसके लिए आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं और आपका हार्ट जोर से पंप करता है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। सिंस आप किसी का भी लंग्स में वेंट्रिकल्स, विंड पाइप इतना खुला नहीं होता, ना ही ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में इतना अवेलेबल है। खासतौर पर आजकल ट्रेंड है जिम में जाके एक्सरसाइज करने का, ग्रुप में एक्सरसाइज करने से मोटिवेशन मिलता है, सही बात है, लेकिन जिम में एक हॉल होता है
40x60 का या जो भी हॉल का साइज हो, उसमें एक साथ 20-25-30 लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो एयर कंडीशनड होता है, हवा का तापमान सही रखता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि एक साथ जितने एरिया में जितने लोगों के लिए, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन ही तो नहीं है केवल, हवा में बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और सिंस वहां पे एक साथ इतने लोग सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इतने साथ सारे लोग एक साथ सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो आपके लंग्स को वर्कआउट करने समय जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। और किसी भी जिम में, हार्डली बहुत कोई हाई फाई लेवल के जिम में जिनकी मेंबरशिप फी जो होती है वो लाखों में होती है एनुअल, अब जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बहुत बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं, वहां पे होता हो तो पता नहीं, लेकिन आम तौर पे किसी भी जिम में ऑक्सीजन जनरेटर्स नहीं होते। तो आप अपने लंग्स और हार्ट के ऊपर भी अत्याचार करते हैं। हाँ, अगर आप खुली हवा में, गार्डन में, पार्क्स में दौड़ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन का क्या आलम है? उसकी वजह से आप पॉल्यूशन की बाहर अगर आप कर रहे हैं तो पॉल्यूशन की वजह से लंग्स पे और उस पर अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग स्पीड बढ़ती है, आप हांफना शुरू हो जाते हैं। हमारे देखिए, जैसे किसी का होता है ना कि हर चीज की, हर मशीन की एक लाइफ होती है, कि कोई अगर इलेक्ट्रिक का स्विच भी होता है ना, वो कितनी बार ऑन ऑफ होगा, एक स्विच का ऐड आता है उसमें बताता है इतनी बार होगा, कोई टच स्क्रीन है कितनी बार उसको टच करेंगे, कोई सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, वो कितनी बार टच करने से काम को, वैसे ही हमारा लंग्स या हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर सकता है उसका वो होता है। लेकिन जब हम मैनुअली एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं या जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम उसको तेज कर देते हैं, यानी जितनी सांसें हमें 70 साल में लेनी थी उतनी तो हम 40 साल की उम्र में ले लेते हैं, इसीलिए हम 40-50 में मर जाते हैं, इसीलिए हमारी जो एज है वो कम हो रही है, एजिंग फास्ट हो रही है, क्योंकि हम सांस फास्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम थका रहे हैं अपने शरीर को। तो जब आप BCM का इस्तेमाल करते हैं तो इफेक्ट तो आपको वही मिलता है, लेकिन आपको, आप अपने शरीर को थकाते नहीं है, जोड़ों पे कोई असर नहीं, हार्ट पे कोई असर नहीं, लंग्स पे कोई असर नहीं। सबसे बड़ी बात, अगर आप 4-5 किलोमीटर जॉगिंग करेंगे तो कम से कम आपका 1.25 घंटा टाइम जाएगा, लेकिन BCM पे ये सिर्फ 15 मिनट चाहिए, यानी ये आपके टाइम को बचाता है, ये आपके शारीरिक मेहनत को बचाता है, ये आपके जोड़ों को बचाता है, और इन सब के बदले आपको करना, ये आपको बारिश हो रही है बाहर या धूप बहुत है या सर्दी बहुत है, आप अपने घर के कंफर्ट में, अपने कंफर्टेबल टाइम में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, अपने बेडरूम में कर सकते हैं, अपने हॉल में कर सकते हैं, अपने किचन में कर सकते हैं, जहां चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक मशीन पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है, इतने सारे एडवांटेज हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस को ठीक करने में भी हेल्पफुल है, उसके बारे में भी मैं बता दूं आपको। इसका यूज करने का क्या तरीका है कि अपने इसको इस्तेमाल करने से पहले, थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर पी लीजिए। इसको आप इसके ऊपर खड़े होकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ करके दोनों पैर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पैर जमीन पे रख के, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना किया जाता है। शुरुआत में इसको 15 मिनट खड़े होकर के नहीं इस्तेमाल करना है, इसकी शुरुआत करनी चाहिए कुर्सी पे बैठ के दोनों पैर रख के, धीरे धीरे उस चीज को कम करते जाइए और खड़े होने को बढ़ाते जाइए। इसको हाथों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेट के पेट के नीचे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कमर के नीचे रख के, शोल्डर्स के नीचे, अलग अलग पोजीशंस में इस PDF में दिखाया गया है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इस BCM मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे शरीर में अगर किसी भी तरह की एक्टिव ब्लीडिंग हो, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स हो या किसी के पीरियड्स चल रहे हैं उस टाइम में नहीं, जो कार्डियक पेशेंट हैं जिनको हार्ट अटैक आने का रिस्क है उनको नहीं इस्तेमाल कराना है, किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ है, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, उस कंडीशन में नहीं इस्तेमाल कराना है, तुरंत जब तक वो हैमरेज पूरी तरह से बंद ना हो जाए, बहुत हाई फीवर में नहीं कराना है, ऐसा स्किन डिजीज जो इन्फेक्टिव हो, फैलने वाला, उसमें नहीं इस्तेमाल कराना है, किडनी फेलियर का केस हो, डायलिसिस पे चल रहा हो पेशेंट, उसको इस्तेमाल नहीं कराना है, कैंसर के पेशेंट को इस्तेमाल नहीं कराना है, उसके बाद जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक पीरियड चलते हैं उनको नहीं इस्तेमाल कराना है, पीरियड्स के दौरान नहीं कराना है, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब करा सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं कराना है। इसके अलावा जो लोगों के पेसमेकर लगा हुआ है, कार्डियक पेसमेकर, मैं स्टेंट्स की बात नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लोगों को, स्टेंट वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, पेसमेकर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मेटलिक इम्प्लांट लगे हुए हो बोन्स में, हड्डियों में मेटलिक इम्प्लांट, जैसे प्लेट लगती है, स्क्रू लगे हुए होते हैं, या फिर कोई टेंशन बैंड वायरिंग होती है या रॉड डली होती है,
जिनको एक्टिव स्टेज पे टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, मतलब ऐसा हाई बीपी जिसको ऊपर कितना जाएगा लिमिट ही नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा 300 400 तक जा सकता है। वेरिकोस वेन्स के पेशेंट्स नहीं कर सकते इसको, तो ये सारे पेशेंट्स इसको नहीं कर सकते। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 20 से 15 मिनट में 5 किलोमीटर वॉकिंग के बराबर है ऑफिशियली जो ब्लड सर्कुलेशन को, जो सारी चीजें नॉर्मल वे में है, जो नॉर्मल जब आप जॉगिंग करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल वे में होता है, ये स्पाइरल वे में करता है, ये बीएमआर को कोई इफेक्ट नहीं करता, ये लेस कैलोरी गेट बर्न, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि क्या क्या बीसीएम को इस्तेमाल करने के फायदे हैं। और जो जॉगिंग है वो हर एज का बंदा नहीं कर सकता, वो मिस हुआ था मुझसे, और लेकिन बीसीएम को 4 साल से लेकर के 100 साल तक का बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे लोग जो क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिनके घुटने में दर्द है, बहुत ज्यादा वजन है, कमर दर्द है, इस तरह के पेशेंट्स, पैरालिसिस पेशेंट को भी एक्सरसाइज करना होता है, जॉगिंग करनी होती है, पैरालिसिस का पेशेंट दौड़ तो नहीं सकता लेकिन बीसीएम कर सकता है, जिनके घुटने में दर्द है वो बीसीएम कर सकते हैं, जिनको कमर दर्द है वो बीसीएम कर सकते हैं, शरीर का एफर्ट बचाता है, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। पोस्चर्स आप देख सकते हैं, जो लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं कि नी पेन, नंबनेस और स्टिफनेस के केस में ये पोजीशन होगी बीसीएम की। इंसोमनिया, ओवरवेट, इंसोमनिया मतलब नींद नहीं आने की जो शिकायत होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स में, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, थायराइड के केसेस में इस तरह से स्टैंडिंग, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में इस्तेमाल करना है। बैकएक, साइटिका, इंसोमनिया, फ्रोजन शोल्डर के केस में इस तरह से भी कर सकते हैं, कंधे के नीचे रख करके बैठ करके, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, साइटिका पेन, जो ओवरवेट लोग हैं वो भी बैठ करके, ताकि हिप्स के और थाइज के वजन कम हो, और लेट करके वीक एब्डोमिनल मसल्स या पेट आपका बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, पेट को कम करना है, उसमें पेट के नीचे रख करके उसका पोस्चर बनाना पड़ता है, उसमें कर सकते हैं। इस बीसीएम मशीन को 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, अमेरिकन इन्वेंशन एंड क्रिएशन अवार्ड मिला हुआ है 1997 में, कल्चर कम्युनिकेशन अवार्ड मिला हुआ है ताइवान में, और बहुत सारे पेटेंट्स हैं, और ये सारी चीजें आपको मिल सकती है, ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है केवल 38,874 रुपए में। अब मैं इस पीडीएफ को बंद करूंगा। तो ये था बीसीएम के बारे में। इस बीसीएम के साथ ये महीना और भी खास हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस महीने कंपनी ने कमाल का ऑफर दिया हुआ है। कमाल का ऑफर क्या है, मैं पूरा ऑफर एक बार बताता हूं, उसके बाद कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे अपनी आईडी से, 100 बिजनेस वॉल्यूम का या 200 बिजनेस वॉल्यूम का या 400 बिजनेस वॉल्यूम को, उनको लगभग 900 रुपए का, लगभग 2300 रुपए का, लगभग 6300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा रेस्पेक्टिवली। जो 100 बीवी खरीद रहा है उसको 889 का, इस तरह से वो तो खरीदने वाले को हो गया। लेकिन अगर आप किसी नए पर्सन को, किसी नए पर्सन को या ऐसा पर्सन जिसने कभी कोई डेवलपमेंट पैकेज नहीं खरीदा है, ऐसे पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर मतलब अपने नीचे डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं टीएनएस में, और वो अगर 400 बीवी की परचेज करता है, बीसीएम मशीन जो है हमारा वो एग्जैक्ट 400 बीवी है, यानी आपके द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ कोई नया बंदा या कोई पुराना बंदा जिसको आपने कभी पहले स्पॉन्सर किया था, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है वो, आपने उसको डायरेक्ट आपके स्पॉन्सर आईडी में आपकी आईडी भरी गई है, तो वो अगर बीसीएम मशीन को खरीदता है तो आपको 39,000 रुपए की कंपनी आपको आप सेल देंगे 38,874 रुपए की, तो कंपनी खरीदने वाले को 6,300 रुपए का सप्लीमेंट्स यानी एक कॉर्डिसेप्स और एक ओपीसी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। यानी जो इस महीने आपका जो भी डाउनलाइन हो, जो आपकी टीम का सदस्य हो, कोई नया सदस्य आपके साथ जुड़े, चाहे वो बिजनेस करने के लिए जुड़े, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जुड़े, तो उनको 38,874 रुपए में एक तो ये कमाल की मशीन मिलेगी जिसके 250 से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, उसके बाद उनको 6,300 रुपए के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स फ्री गिफ्ट मिलेंगे, लाइफ टाइम के लिए गोल्ड लेवल तो हो ही गया, यानी जिंदगी भर उनको 28% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट्स पे, उसके अलावा उनका प्लैटिनम बनने का, जहां पे हमारी कंपनी के उत्पाद पे 35% से ज्यादा डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, और बिजनेस में बोनस के हिसाब से ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, लाइफ टाइम के लिए वो लेवल मिल गया। इसके साथ साथ आपने उनको स्पॉन्सर किया है, आपने कंपनी को बिजनेस दिया है 38,874 रुपए का, और आपको कंपनी गिफ्ट देती है बदले में 42,000 रुपए का। आपके लेवल के हिसाब से, बिजनेस प्लान के हिसाब से, जो मान लीजिए अगर आप प्लैटिनम हैं तो जो आपको बोनस मिलना है $80 का,
स्पॉन्सरिंग का बोनस वो तो मिलेगा ही, अगर और भी काम हुआ है तो मैचिंग बोनस भी मिलेगा $44 का। लेकिन इसके अलावा आपको ₹42,000 का, यानी अगर केवल स्पॉन्सरिंग बोनस और ये गिफ्ट कैलकुलेट करें तो ₹38,874 का बिजनेस देने से आपको ₹47,000 के आसपास का फायदा होता है, $80 का बोनस स्पॉन्सरिंग बोनस और ₹42,000 का टीएनएस का म्यूजिक थेरेपी वेस्ट बैंड। ये मशीन आप कई नंबर में स्पॉन्सर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है लिमिट कि आप एक या दो ही कर सकते हैं। अगर आप दो स्पॉन्सर करेंगे इस मशीन को तो जो आपको बोनस मिलेगा वो ₹13,400, लेकिन अगर आप दो करेंगे डायरेक्ट तो आपको दो वेस्ट बैंड नहीं मिलेंगे, वो एक आईडी पे एक ही गिफ्ट है। तो यानी आपकी जितनी ज्यादा आईडीज हैं, आपके फैमिली की जितनी ज्यादा आईडीज हैं, सबके नीचे एक एक बीसीएम स्पॉन्सर कीजिए, हर आईडी पे आपको एक एक वेस्ट बैंड मिल सकता है। लेकिन इतनी सारी वेस्ट बैंड आप करेंगे क्या? मान लीजिए आपकी फैमिली की आपने 5 आईडी लगा रखी है, अपनी 3 आईडी, फैमिली मेंबर की 2 आईडी, या कम से कम 3 आईडी लगा रखी है आपने, तीनों में ये कमाल की मशीन है तो ये आप प्रमोट करेंगे, लोग खरीदेंगे, तीनों में खरीद लिया, वेस्ट बैंड मिल गया। तो आप क्या कर सकते हैं, ये लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, या तो खरीदने वाले को कर सकते हैं, अपने टीममेट्स को कर सकते हैं, और या इसको सेल करके और भी पैसा कमा सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि इस ऑफर को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने टीम मेंबर्स को ये ऑफर दे दिया है कि भाई हमने तो एक बीसीएम स्पॉन्सर कर लिया, या हमने तो एक गोल्ड स्पॉन्सर कर लिया, हमें तो वेस्ट बैंड मिल गया, लेकिन टीएनएस के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक और खासियत जुड़ी है कि हम सेल्समैन नहीं है। हमारा प्लान ही इतना सिंपल है, नो कंडीशन प्लान है, कि हमारे ऊपर सेल्स का प्रेशर होता ही नहीं है, हमें रिटेल करना ही नहीं पड़ता। तो बहुत सारे लोगों को आदत है रिटेल नहीं करने की, हम नहीं बेचेंगे, हम सेल्समैन नहीं, हम बिजनेसमैन है। तो हमें अगर और भी वेस्टमैन मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, तो हम उस 5 वेस्टमैन का करेंगे क्या? तो एक वेस्टमैन तो अपने लिए हो गया। तो लोगों ने क्या ऑफर निकाल दिया है कि जो ये बीसीएम खरीदेगा हम उसी को ये वेस्टमैन दे देंगे जो हमें मिल रहा है, हम आपको ही गिफ्ट कर देंगे। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि वो नहीं खरीदेंगे, ₹38,874 में अगर ₹1,00,000 का सामान मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा? ऑब्वियसली 42,000 और 6,000 का उसको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, 48,000 हो गए, और 38,000 में ये 48,000 का बीसीएम है, लगभग 96,000-97,000 रुपए का सामान ₹38,874 पे करने से मिल रहा है, तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा? तो आप बहुत सारी, अभी भी 15 दिन लगभग, आज क्या तारीख है, 12 तारीख है, यानी लगभग 13 दिन हमारे बिजनेस मंथ का, इस बिजनेस मंथ का बचा हुआ है। 13 दिन में अगर आप 10 बीसीएम स्पॉन्सर करते हैं, 10 बीसीएम मतलब 5 गोल्ड पेयर, यानी ₹65,000 तो आपका बोनस हुआ। तो 10 बीसीएम अगर आप 38,874 में देने की कोशिश करेंगे तो शायद 13 दिनों में पॉसिबल ना हो, लेकिन 38,874 में अगर ये ऑफर दे देते हैं आप खरीदने वाले को ही कि ये गिफ्ट भी हम तुम्ही को दे देंगे, तो 10 दिनों में, 13 दिनों में मुझे लगता है 10 क्या 20 बीसीएम के भी कस्टमर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस है, ये जो गिफ्ट है ये स्पॉन्सर के लिए है, ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये स्पॉन्सर की चॉइस है कि वो खुद रखना चाहते हैं या परचेज करने वाले को देना चाहते हैं। अगर आप ये देंगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपका रैंक अपग्रेड हो जाएगा, आपका बोनस अपग्रेड हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल तो है ही कि आपने 5, 7, 10 इकट्ठे कर लिए, उसका करोगे क्या? बेचोगे? बेचने वाला तो मुझे नहीं लगता कि खासतौर से टीएनएस में बेचने वाला कोई है। मैंने आज तक नहीं देखा लोगों को कि प्रोडक्ट खरीद के रिटेल कर रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए, वी आर नॉट सेल्समैन। तो ये आपकी कंप्लीट चॉइस है, ये मेरी तरफ से मैंने एक आपको ऑप्शन दिया है जिसकी वजह से आप बीसीएम को अच्छे ढंग से प्रमोट कर सकते हैं। सीधा लोगों को बोलिए आप 38,874 रुपए लगाओ, लगभग ₹1,00,000 के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। 48,593 रुपए है शायद बीसीएम के एमआरपी, बीसीएम हो गया, 42,000 का वेस्ट बैंड हो गया, और 6,300 रुपए के दूसरे सप्लीमेंट्स हो गए। तो लगभग ₹1,00,000 के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जिंदगी भर के लिए गोल्ड लेवल मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आगे आप प्लैटिनम बनेंगे, और सिर्फ 2 लेग पे भी काम किया तो लगभग ₹15,00,000 महीने का कमा सकते हैं, एक बार की जिंदगी की इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसी कि जितना लगाया उससे दोगुना से ज्यादा पाया।
इससे बेहतर मंथ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इससे बेहतर मंथ ऑफर्स पाने के लिए, इससे बेहतर मंथ बीसीएम खरीदने के लिए हो नहीं सकता। तो याद रखिए, आपके सर्किल में, आपके नोन में और खास तौर पे आपकी टीम में ऐसा कोई बंदा होना नहीं चाहिए जिसको इस ऑफर के बारे में आप बताएं ना। सबको बताइए, कॉल करके बताइए, मिलके बताइए, मैसेज पे रिलाय मत कीजिए। मैसेज कई बार लोग पोस्टर्स, आपने एक पोस्टर बनाया बड़ा अच्छा सा, मैं सर्कुलेट करता रहता हूं बना बना के, मुझे पता है बहुत सारे लोग वो पोस्टर को डाउनलोड ही नहीं करते, खोल के नहीं देखते ये क्या है। तो एक एक बार कॉल, जितने कॉन्टैक्ट नंबर एटलीस्ट आपके फोन बुक में हैं और जो एक्टिवली इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, उन सबको एक एक बार कॉल जरूर कीजिए कि आपको मैंने एक ऑफर भेजा था, आपने देखा? वो पूछेंगे क्या ऑफर? अरे कमाल का ऑफर है, 38,874 रुपए में लगभग 1,00,000 रुपए का सामान दे रही है कंपनी, और वो भी ऐसा, खास तौर पे जो वेट लॉस को पे जिनका फोकस है उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि दोनों ही इक्विपमेंट वेट लॉस के लिए ट्रेमेंडस है। मतलब अगर आपके पास ये दोनों इक्विपमेंट हैं तो पूरे परिवार को वेट लॉस के लिए तो सोचना ही नहीं है। तो ये था ऑफर और बीसीएम का। अब हम जावा सर के पास चलते हैं और क्वेश्चन आंसर के लिए नए पैनल को ओपन करवाते हैं। जावा सर, ओवर टू यू। जावा सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है जावा सर म्यूट में है। हेलो जी सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर हाँ डॉक्टर साहब, बस एक मिनट, आधा मिनट आप तब तक बात करो, आधा मिनट जी। जावा सर आज देखिए, मतलब ये ऑफर इतना बड़ा है कि डायरेक्टर्स तक के उन्होंने पहिए लगा दिए, वो लोग सभी, इवन जो लोग बहुत टाइम में हाइबरनेट मोड में रहते थे, मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो पुराने लोग हैं, फेसबुक पे हैं, जिन्होंने बिजनेस को ठंडे बस्ते में डाल रखा था, वो भी इस ऑफर के चक्कर में एक्टिवेट हो गए हैं, वो लोग भी सेल्स डाल रहे हैं, वो लोगों ने भी अपनी आईडी एक्टिवेट की और काम कर रहे हैं, और हमारे फर्स्ट डायरेक्टर अभी तक घर से बाहर है, तो डेफिनेटली वो भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और फिर भी ये जूम मीटिंग ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक डायरेक्टर लेवल का इंसान इस ऑफर को, इस मंथ को, इस बिजनेस को सीरियसली ले रहा है, जिनको कंपनी में ऐसी पोजीशन मिल चुकी है कि उनके साथ पुश्ते बैठ के खाएंगे, ये बिजनेस प्लान ऐसा है, जब उनका मन उब जाएगा कि अब मुझे नहीं बिजनेस करना, अपने बच्चे को अपनी आईडी दे देंगे, वो पहले ही दिन से करोड़पति हो जाएगा, वो ऐसी लेवल पे पहुंच चुके फिर भी मेहनत कर रहे हैं। ये ऑफर, ये इतना वो मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं ताकि ये जूम सेशन टाइम से शुरू हो सके, वो घर से बाहर होते हुए, ड्राइव करते हुए भी उन्होंने इतने एफर्ट्स लिए हैं। तो आप इस मंथ की, इस ऑफर की सीरियसनेस को समझिए और उसके हिसाब से कुछ दिनों के लिए कंफर्ट जोन से, अपने शेल से बाहर आ जाइए। ठंडी का समय है, ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो पसीना भी नहीं आएगा। वैसे तो कहते हैं पसीना बहाना चाहिए, लेकिन पसीना भी नहीं आएगा, बिना पसीना बहाए इस महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। सोचिए, अगर आपने 5 बीसीएम प्रमोट किए और आपकी टीम में अगर 5 लोग भी एक्टिव है, उन्होंने भी 5-5 कर दिए, 25 बीसीएम, आपका बोनस लगभग 1,40,000 होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने सही बात कह दी कि मैं जो है ना अभी एक मीटिंग करके वापस आ रहा था जी सर, तो 9:50 पे मुझे लगा मैं घर पहुंच नहीं पाऊंगा, टाइम लगेगा, तो मैंने 9:50 पे पहले शुरू कर दिया, तो आपने जो एग्जैक्ट बीसीएम की जो नॉलेज दी, मैं रास्ते में सुनता हुआ आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मेरे को ऑलरेडी 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज आपने बीसीएम का फिर कुछ उसमें सीखने को इतना कुछ मिल गया, जो आपने सिंपल लैंग्वेज में सबसे बड़ी जो शुरुआत करी ना कि हम लोग नेचर से दूर हो गए, तो ली जिन्योन सर ने नेचर के साथ जोड़ भी दिया और साथ में आपको हेल्दी भी रख दिया, और सबसे बड़ा पार्ट जो एक्सरसाइज मिस करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया था, फैंटास्टिक था, और मैं तो कहूंगा सभी लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर से सीखे किस तरीके से आपने लोगों को बताना है, डायरी पेन हमेशा लेके बैठे ताकि आप टाइम टू टाइम इसको सीखते रहे और आगे बढ़ाते रहे। तो वंडरफुल सेशन डॉक्टर साहब, ये तो हुआ बीसीएम का सेशन, तो अभी आगे डॉक्टर साहब सेशन का मतलब क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं हम जी सर, अगर आप बाहर है तो मैं ही ले लेता हूँ सर।
हाँ बिल्कुल, आपको होस्ट ऑलरेडी है, आप उनको अनम्यूट कर सकते ठीक, हैं। ठीक है सर, मैं ले और मैं जैसे ही अभी पहुंचने मैं पहुंचने वाला हूँ, बस ठीक पांच छह ठीक है, तब मिनट तक मैं कंटिन्यू ठीक करता है हूँ। सर? जी सर, ओके ओके, सबसे पहला, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, सबसे पहला हैंड रेज है सुभाष पाल अगरतला से, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे सर। फेसबुक पे जिनके भी जो सवाल हैं, ये सेशन खत्म होते ही मैं सबको रिप्लाई करूंगा, सॉरी मैं बीच में रिप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अश्विनी जी ने और बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ मांगा, मैं सबको जवाब दूंगा। सुभाष पाल अगरतला से अपने आप को अनम्यूट करके, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर, आप सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं, मेरा एक दोस्त है जिसने 8 साल पहले कमर में चोट लगा था जी, तब उन्होंने डॉक्टर दिखाया, एमआरआई भी कराया था जी, तो उनका कोई नर्व दब गया है कमर में जी, इसकी वजह से उसका डायना पैर मतलब पतला हो गया है। ओके, अभी मतलब 4-5 साल बाद वो साथ साथ उसको थेरापी भी दिया था, फिजियोथेरापी दिया था जी, थोड़ा आराम भी मिला। नहीं, फिजियोथेरेपी नर्व में बहुत ज्यादा, नर्व के दबे हुए केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर पैर में एनर्जी और ब्लड का फ्लो रुक गया, तो उसको न्यूट्रिशन कम मिलने लगा, उसका मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, तो मसल्स वीक हो गए। अभी आपको उनको बीसीएम कराना है, नर्व कहाँ पे दबा हुआ है, अगर वो एग्जैक्ट पोजीशन आप मुझे एमआरआई रिपोर्ट में से देख के बता सके तो मैं बता दूंगा एक्यूलाइफ की थेरेपी कहाँ करनी है, और साथ में उनको प्रोटीन सप्लीमेंट देना है, वो ठीक हो जाएगा। एक्यूलाइफ, बीसीएम और प्रोटीन सप्लीमेंट। अच्छा, उनको सर अभी बीसीएम दिया हो, सेल रेजुमिनेशन, जिंक और त्रिफोली दिया था जी, उनको प्रोटीन सप्लीमेंट भी दीजिए और एक्यूलाइफ की थेरेपी भी दीजिए। अगर पैरों में प्रॉब्लम हुई है तो मोस्टली L4 L5 के आसपास कहीं कंप्रेशन होगा, आप MRI रिपोर्ट में देखिएगा। हाँ जी, L5 और S1 है। हाँ, L5 और S1 है, तो L5 और S1 यानी जो हमारा स्पाइन है उसके मिड से लो और एकदम लो, ये एरिया में होता है ये लंबर स्पाइन, तो वहां पे आप एक्यूलाइफ से डिटेक्ट कीजिए, जहां पे सबसे ज्यादा पिंचिंग सेंसेशन हो वहां पे उनको रोज 10-10 मिनट सारे पॉइंट्स पे थेरेपी दीजिए। और जो पैर में प्रॉब्लम आई है, उस पैर के दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो हमारे रिंग फिंगर पे होते हैं और एक रिस्ट पे होते हैं, दोनों जगह पे थेरेपी दीजिए, और इसके अलावा बीसीएम डेली 15 मिनट स्टैंडिंग पोजिशन में कराइए। हाँ जी, और सप्लीमेंट कौन सा खिलाना सर? जो आप सप्लीमेंट दे रहे हैं सब ठीक है, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट मस्ट है, प्रोटीन जरूर दीजिए। जैसे एडल्ट प्रोटीन पाउडर? जी सर, स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं अगर एडल्ट प्रोटीन पाउडर अभी अवेलेबल नहीं है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। ओके जी। दूसरे है महेश्वरी दीन कुशवाहा, अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक मरीज है जी, महिला है जी, करीब 35 के आसपास की एज होगी, उनको सर पाइल्स की शिकायत है, गांठ भी है सर। पाइल्स, खून खून वाला है, खूनी है? हाँ सर, बड़े बड़े मस्से हैं सर जो है, गांठ टाइप की, तो उसमें उनको बीसीएम नहीं करवा सकते, उनको एक्यूलाइफ। हाँ, उनका सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन के पे काम कीजिए, कब्ज नहीं होना चाहिए। कब्ज हमने पहले एफओएस दिया था उनको। हाँ, एफओएस दीजिए, चिटोशन दीजिए, एच कप का पानी भी दे सकते हैं, और एक्यूलाइफ की थेरेपी भी दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइन के पॉइंट पे। कब्ज को अगर आपने ठीक कर लिया तो 70% पाइल्स को वैसे ही जीत लिया। उसके अलावा जो उनके मस्से हैं, चिटोशन जो पैंटी लाइनर है उसको हल्का सा गीला करके और उसके ऊपर चिटोसन का पाउडर स्प्रे करके लगा सकते हैं, या उनके एनस में चिटोसन कैप्सूल इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑकवर्ड लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है कैप्सूल इंसर्ट करना, तो उस केस में चिटोसन कैप्सूल के अंदर जो पाउडर होता है वो पैंटी लाइनर के ऊपर स्प्रे करके और उसका उनको हल्का सा गीला करके उसके ऊपर स्प्रे करके और उसको वो चिपकाइए, तो मस्से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और साथ में उनको ओपीसी प्लस कैप्सूल भी दीजिए। जी जी जी, दे रहा है सर ओपीसी प्लस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अगले हैं रेडमी मंजू जैन जयपुर, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे मैम। हेलो जी मैम। सर हो गई अनम्यूट? जी 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 सर, जय गुरुदेव सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी बताया था ना कि एल्बो नस दब जाती है जी, तो एक पेशेंट है, उनको मैंने 2 दिन तो अपने बेल्ट से आगे और पीछे नेवल की और पीछे कमर में जी थेरेपी ली है जी, फिर दो दिन हुए मैंने बीसीएम पे किया, पहले बिठा के किया फिर खड़ा करके किया जी, और
फिर सर है ना, मतलब उनको बिठा के, मतलब सीट पे है ना बिठा के किया, पहले जी तो पैर से मतलब ऊपर बिठा के पलंग के ऊपर और नीचे पैर रखवा दिए, वहां से शुरुआत तो वहां से की, दो दो मिनट जी चला के सर जी उनको जो बिठा हम के चयन आप कर पा रहे थे हैं। बीसीएम पे बिठा के आप ज्यादा कीजिए, बीसीएम पे बिठा के और उनकी कमर को सीधा हाँ रखिए, और एक्यूलाइफ की थेरेपी जहां पे भी कंप्रेशन है ना उस एरिया में चेक हाँ करके जो हाँ पॉइंट बोलता है उस पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, ठीक है, तो उनको जल्दी अच्छा राहत मिलेगी। हाँ सर, एक्यूलाइफ की मैंने सोचा उसके बाद बीसीएम के बाद में हेड केयर से पैरों पे करूं तो उससे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, करने से फायदा तो जरूर होगा, लेकिन ये जो नस दबी होती है ना उस केस में एक्यूलाइफ की थेरेपी मस्ट है। एक्यूलाइफ मस्ट है, जी वो तो मैंने सोचा लास्ट में दूंगी नहीं सर, नहीं नहीं साथ में शुरू कर दीजिए, लास्ट में क्यों देना है। साथ में शुरू कर दूं। जी और सर सप्लीमेंट क्या, प्रोटीन सप्लीमेंट में पाउडर? सप्लीमेंट में उनको नहीं, उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट में उनको आप दीजिए मल्टीविटामिन, टी पॉली और कोएंजाइम तो हाँ खैर अभी नहीं है, तो ओमेगा दीजिए। ठीक है सर, थैंक ओके यू सर। ओके जी। AS अब्दुल्ला जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है, वो लेडीज हैं जी सर, उनकी किडनी में 200 ग्राम की पथरी है सर, जी किडनी में 200 और ग्राम जी की, किडनी में 200 ग्राम की पथरी है सर, किडनी में और 200 ग्राम की पथरी, उनके बहुत बड़ी चीज। हाँ बताइए। जी, और उनके मतलब टॉयलेट में भी ब्लड आया था सर, और टॉयलेट में मशीन आती है बहुत, क्या ऐसा आती हो है? रहा है मशीन आ रही है सर, टॉयलेट में बू आती है बहुत, यही कहते ओके, हैं एक तो उन दो जी। चीजों पे उनको काम कीजिए, एक तो किडनी में आप पथरी है उसको काम कर, आप उनको FOS खिला रहे हैं, FOS दीजिए, OPC दीजिए, किडनी के यिन वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस कीजिए, और किडनी पे एक्यूल किडनी के जितने भी पॉइंट्स पे दीजिए थेरेपी। इसके अलावा उनको आप दीजिए चिटोसन और एच कप का पानी, और उनके लिवर को भी कंडीशन कीजिए, किडनी और लिवर दोनों की कंडीशनिंग ठीक होगी तो उनको ये दोनों प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो सर ये बिना ऑपरेशन के हो जाएगी पथरी से हाँ हो दो जाएगी, सौ ग्राम पथरी सही हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें कि इसमें पैसे नहीं है, दूर रहते हैं, ये सारे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, ये पूरी एच कप भी चाहिए उनको, एक्यूलाइफ भी चाहिए, हेड केयर का भी थेरेपी चाहिए, और साथ में चिटोसन, OPC, FOS ये सप्लीमेंट्स भी चाहिए। ठीक है सर। ओके सर उनके वो भी है, पित्त में भी पथरी है, पित्त की थैली हाँ में जो तो है ना सप्लीमेंट्स को में कोई उन, बदलाव की जरूरत नहीं है, बस एक्यूलाइफ की थेरेपी पित्त के 3 पॉइंट्स जो हैं उन पे भी हो जाएगी, उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो जाएगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके प्लेटिनम कार्ड योगेश गोयल जी। जी योगेश गोयल जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड हाँ गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे भी एक रिपोर्ट भी शेयर करी थी, हाँ रिपोर्ट अगर मुझे आप मिल लोगों को गई है, मैं देखा हो देख नहीं तो। पाया हूँ अभी क्योंकि मैं सेशन शुरू करने वाला था तभी मैंने खोला व्हाट्सएप, तो मैंने अभी देखा नहीं है उसको, उसी रिपोर्ट्स के बारे में चलो जानना है कोई बात आपको। नहीं, हाँ एक तो रिपोर्ट के बारे में जानना है, साथ में वो अभी इसमें सेशन में जुड़े हुए भी हैं, एक मेघा ठाकुर के नाम से है, जी तो आप या तो एक बार उनको अनम्यूट कर लो, क्या नाम बताया आपने? वो मेगा ठाकुर, मेगा ठाकुर के नाम से किसी का भी हैंड रेज नहीं है सर, हैंड रेज नहीं है, आप सर इतने लोगों में मैं ढूंढना देख के एक पॉसिबल बार, नहीं, उनको बोलिए हैंड रेज करने के। हाँ मेगा ठाकुर जी का हैंड मैं रेज हो गया, मैं एक बार उनको अनम्यूट कर सर रहा हूँ। मेगा ठाकुर जी ने हैंड रेज कर लिया, जी मैं जी कर मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, सुन तो कर लीजिए। लीजिए मेगा जी, आप अपने ऊपर अनम्यूट जी मेगा जी कीजिए अनम्यूट। जोर का बोलिए मेघा जी। मेघा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मेघा जी, मैं क्या अनम्यूट ही नहीं किया। हाँ अभी आपको अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मेघा जी अपने आपको। मेघा जी दोबारा अनम्यूट कीजिए, मेघा ठाकुर जी। सुनाओ। जी हाँ जी जी हाँ जी, आपको आ आवाज रही आ है, रही, आप बताइए। थैंक यू, गुड इवनिंग सर। सर मुझे आपसे पूछना था कि मेरा ब्रदर है, सो ही इज अ पेशेंट ऑफ नेफ्रो, ओके, उसका जो यूरिया क्रिएटिनिन है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, लाइक 2016 में उसका 1 पॉइंट समथिंग था,
बट नाउ लाइक 2020 में 1.85 हो चुका है. तो एज यू नो ये जैसे 6-7 हो जाएगा तो फिर आपको पता है जैसे डायग्नोसिस वगैरह करना पड़ेगा. तो हम ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई 4.85 है, बस यहाँ पे जो यूरिया क्रिएटिनाइन है. तो ये मशीन बहुत हेल्पफुल रहेगी. इस मशीन के साथ उनको एचकप का पानी पिलाएंगे, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. उनको आप जिम्निमा का हाफ डोज शुरू कर दीजिए और एफओएस और चिटोसन भी दीजिए. सर एफओएस सब्स्टिट्यूशन, एफओएस एंड चिटोसन. अगर योगेश गोयल जी भी साथ में सुन रहे हैं वो आपको गाइड कर देंगे. सब सप्लीमेंट्स के नाम है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा. एफओएस, चिटोसन, एचकप का पानी, बीसीएम मशीन की थेरेपी और जिम्निमा का हाफ डोज. नॉर्मल डोज जो जिम्निमा का है वो 2 टैबलेट 2 बार है, लेकिन उनको 1 टैबलेट 2 बार दीजिए. 1-1 टैबलेट 2 बार. ओके सर. ओके, ये नॉर्मल पे आ जाएगा. और अगर वो इसको रेगुलरली, ये जो सप्लीमेंट्स है तो उनको 3-4 महीने खाने की जरूरत है. उसके बाद बस बीसीएम करते रहें फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, तो उसके बाद ये नॉर्मल रेंज में रहेगा. बस एक बार लिवर की कंडीशनिंग भी जरूरी है, अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो लिवर की कंडीशनिंग और किडनी की कंडीशनिंग भी जरूरी है, इसलिए मैंने ये सप्लीमेंट्स और एचकप का पानी भी बताया. ओके सर. ओके जी. तो फर्दर इंक्रीज्ड नहीं होगा? लाइक नहीं, 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 नहीं होगा. ओके सर. ओके जी. ओके, थैंक यू. ओके. नेक्स्ट राजकुमार सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए. राजकुमार सिंह जी. सर जी, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी जवाहर सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राजकुमार जी. गुड मॉर्निंग, बताइए जी. सर मैंने एक सवाल किया था आपसे, आपको याद होगा मैंने एक पेशेंट को बताया था कि 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जी. तो उसके थॉरेसिस स्पाइन में उसको प्रॉब्लम हुई थी, उसका ऑपरेशन भी हो गया है सर जी. ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन के बाद से सर उसका सेंस पैर के में एकदम नहीं होता है, कमर के नीचे बिल्कुल ब्लॉक है दोनों ही पैरों में. तो जी जी पूरे पैर में. तो सर आपसे मेरी बात भी हुई थी तो आपने बताया था कि उसको एक्वलाइफ के पॉइंट्स दिए जाएं. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये केस में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब स्पाइन के ऑपरेशन होते हैं ना तो 2 चीजें होती है. ऑपरेशन के दौरान या तो कोई नर्व दब जाती है या कट जाती है. अगर कोई कट गई है नर्व तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दबी जी. सर वही बता रहा है कि तो उसका जो है एक्टिव लाइफ से मैंने 2 दिन से ट्रीटमेंट किया है, 2 दिन से पॉइंट्स उसको लगा रहे हैं हम रेगुलर जी. सर 2 दिन में उसका पैर जो मतलब 2 साल से रेगुलर एकदम बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, अचानक से उसके पैर में अचानक अचानक मूवमेंट होता था पहले जी, लेकिन वो अपने से नहीं कर पाते थे कभी भी. अगर अपने से कोशिश भी क्या है, कोई नर्व अगर दबी हुई है तो अपने से कर, जैसे आप बोलिएगा किसी को कि पैर हिलाओ तो वो दिमाग उसका कमांड तो देगा पैर को, लेकिन वो बीच में नर्व तो दबी हुई है, उससे आगे कमांड जाएगी नहीं तो उसके पैर तक कमांड पहुंचेगी नहीं, पैर हिलेगा नहीं. एक्यूलाइफ क्या करता है, वो कंप्रेशन को धीरे धीरे हटाना शुरू करता है. कंप्रेशन को हटाना शुरू किया मतलब कमांड पहुंचने लगी. अभी मान लीजिए 5% 7% कमांड पहुंच रही है तो पैर उतना मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे वो पूरा खुलेगा, पूरा ठीक हो जाएगा. इतना अगर होने लगा तो डेफिनेटली वो नॉर्मल हो जाएगा. तो वही बता रहे सर 2 दिन में उनके लिए एक चमत्कार ही हुआ है जी. ट्रेमेंडस. एक्यूलाइफ हमारा चमत्कार ही करता है, एक्यूलाइफ इलाज नहीं करता, एक्यूलाइफ चमत्कार ही करता है. इलाज तो डॉक्टर करते हैं, एक्यूलाइफ चमत्कार ही करता है. सर उनके लिए चमत्कार है, ये सर सारी बातें तो हम लोग जान ही रहे हैं. तो 2 साल में सर उनका पैर जो है ना काफी अच्छे मूवमेंट में, मतलब अच्छा खासा मूव किया दोनों पैर. तो बकायदा मैंने उनका वीडियो भी बनाया है सर. जी जी बिल्कुल, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसको सर्कुलेट करके इसका फायदा उठा सकें. वाकई में हमारा एक्यू लाइफ चमत्कारी मशीन है, कोई माने या ना माने. कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग इस किसी भी चीज को ठीक करने का दावा कर लेते हो. मैंने अपने इतने साल की जानकारी में जो बीमारियां सुना था ठीक ही नहीं हो सकता. लोग फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से इलाज करा करा के वापस आ गए तो वो लोग ठीक हुए, तो मैं क्यों नहीं बोलूं. सर बता तो रहे हैं, वो पेशेंट समझ लीजिए कि बीएचयू से लेके बीएचयू में उसका ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन हुआ था, पीजीआई भी गया, दिल्ली भी गया, हर जगह जाने के बाद उसको सिर्फ इनकार ही मिला कि भैया आपका कुछ नहीं हो सकता है. ठीक जी, तो आप उस इंडिविजुअल का वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सर. जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि सर अभी मत करिएगा जब मैं चलने लगूंगा तब. नहीं, एक होता है ना बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तीनों आप बना के रख लीजिए, शेयर भले बाद में कर दीजिएगा. जी जी मैंने वीडियो बना लिया है जी. और ये सर पूछना था उसमें सप्लीमेंट ऐसा कौन सा क्या दे कि इससे रिलीफ ज्यादा अच्छा. देखिए उनका पैर 2 साल से रेस्टिंग पोजीशन में, मसल्स वीक हुए होंगे तो स्पाइरुलिना तो जरूरी है प्रोटीन के लिए. जी सर. इसके अलावा आप उनको ओमेगा दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, ये 3 चीजें जरूर दीजिए. जी सर.
और सर एक प्रॉब्लम उनके साथ है कि 2 साल लगातार मतलब बेड पे रहते हैं, तो उसको बेड सोल की प्रॉब्लम भी हो गई है। बेड सोर की प्रॉब्लम हो गई तो बेड सोर को तो हम आराम से एड्रेस कर सकते हैं, उनको आप हेल्थ मैट्रेस दे सकते हैं, या फिर जो हमारा ये है ना, जो हमारा वो है, जो क्या कहते हैं, हैंड वॉश, उसको लेप की तरह लगा सकते हैं, और उसको वॉश करने के बाद हेयर ऑयल लगा दीजिए, और उनको थोड़ा बोलिए कि अब उनका पैर मूवमेंट करने लगा है, तो वो करवट वगैरह बदलने लगेंगे आराम से, तो स्लीपिंग पोजीशन हर 2 घंटे में चेंज करते रहेंगे, बेड सोर अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो उनके डिसेबिलिटी की वजह से हुआ है ना, उनकी प्रॉब्लम बेड सोर नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये डिसेबिलिटी है, ये ठीक होगा तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच ये टेस्टिमोनियल शेयर करने का। नेक्स्ट है संदीप, रॉयल टाइगर टीम, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। संदीप, रॉयल टाइगर टीम। यस सर। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग द चांस ऑफ मी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे एक सर पेशेंट रहे हैं जिनकी उम्र सर 62 वर्ष है जी, और वो सर उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका था जी, और वो सिर्फ डॉक्टर के ही सर कहे अनुसार उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, उनको कोई चोट नहीं लगी थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, केवल ब्लॉकेजेस थे जी। तो स्पाइनल का उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, और उसके बाद से 2 साल से करीब उनकी अस्पताल से दवा चल रही है जी। तो सर उसके बाद हम लोग ने उन्हें, जब वो हमारे तक आए, हमारे बारे में पता हुआ, टियांस के बारे में पता हुआ, तो हम लोग ने उन्हें सर BCM भी थेरेपी चला रहे हैं, और हमने उसको ब्रेसलेट भी उपलब्ध कराया है जी। और साथ में सर सिटोसन, एफओएस, ओमेगा, मल्टीविटामिन का जो हम लोग कॉम्बिनेशन उन्हें दे रहे हैं जी। लेकिन सर अभी लास्ट डेज उन्हें 5 से 7 रोज पहले से जो उनको खड़े होकर और बैठकर BCM करा रहे थे, थोड़े थोड़े पांव उनके हल्के धुंधले और काले होते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में सर हम लोग अगला ट्रीटमेंट क्या करें अभी? पांव उनके धुंधले और काले हो रहे हैं, तो इसका मतलब BCM करने के बाद जो उनका ऑपरेशन के दौरान कई बार क्या होता है कि कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, तो अगर उनका MRI रिपोर्ट अगर आप मुझे शेयर करें कि हो सकता है BCM का कोई पोजिशन उनको, उनके ब्लड सर्कुलेशन को या तो ओवरफ्लो दे रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो इस केस में BCM को स्टॉप करके उनको एक्यूलाइक की थेरेपी देनी होगी। और आपने उनको बताया नहीं कि ऑपरेशन करने के बाद प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से आप उनको थेरेपी दे रहे हैं? तो सर वो इसीलिए एक्यू लाइफ को अभी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो रूरल एरियाज में रह रहे थे, तो वो यहाँ शहर में नहीं रुक पा रहे थे। नहीं नहीं उनको किस प्रॉब्लम के लिए आप ये थेरेपी दे रहे थे, प्रॉब्लम क्या हो रही थी उनको सर्जरी के बाद? सर दरअसल उनके जो सर वो चलने फिरने की प्रॉब्लम बहुत है, वो कमर से नीचे का हिस्सा जो सर काफी जकड़ा हुआ सा है, जांघें चिपकी हुई सी है, पहले वो चलते थे कुछ साल पहले। देखिए ये देखिए, मैं जब जहाँ पे इलाज की बात होती है ना, वैसे तो TNS एक प्रिवेंटिव वेलनेस पे ज्यादा फोकस करता है, बट ठीक है, हमारे पास किस्मत की बात है कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इलाज की बात होती है, तो इलाज में चॉइस नहीं होता। अगर आप किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम है और ब्रेन की सर्जरी वो अभी नहीं करा सकता, तो थोड़ी बोलेंगे कि फिलहाल उसको घुटने में कर दो। यस सर। अगर किसी भी कारण से वो गांव में रहते हैं, तो गांव में एक्यूलाइफ खरीद करके एक्यूलाइफ की थेरेपी ले सकते हैं। एक्यूलाइफ की थेरेपी तो कोई 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है, बहुत ही आसान है। इवन कोई अकेला रहने वाला इंसान अगर उसके हाथ सलामत है तो कर सकता है, तो उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। BCM शायद कंप्रेशन बढ़ा रहा है उनका, इसकी वजह से ये हो रहा है। और yes, अगर आपके पास है तो 1-2 दिन उनको BCM सिर्फ खड़े होकर के ट्राई कीजिए, या चेयर पे बिठा करके पैरों को रख करके, ठीक है? यस सर। और जो सर सप्लीमेंट दे रहे हैं वो हम लोग राइट दे रहे हैं ना सर? बिल्कुल हाँ, सप्लीमेंट ठीक है, सप्लीमेंट का तो किसी भी सप्लीमेंट का हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं। यस सर। और एक सवाल था सर, एक सर पेशेंट और हैं, तो उनको सर पेट में जो है स्टमक में जी, सर जो एक पथरी का केस आया था, जो उनको स्टोन है, जो किडनी में स्टोन रहा है जी, तो सर वो 24 पॉइंट का मैक्सिमम आया है और 16 का आया है जी। तो सर ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करें, क्या 24 mm को भी हम लोग इसको रिकवर कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे? जी जी जी, हमारे एक्यूलाइफ में इतनी ताकत है, 39 mm का तो रिजल्ट मेरे पास भी है, तो 24 mm तो मामूली सी चीज हुई इसके सामने। आप आराम से एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट कीजिए, ठीक है? एक बार BCM ट्राई कीजिए। कई बार क्या होता है कि वोलाटाइल स्टोन होता है, वो हिल जाता है अपनी जगह से, तो थोड़ा सा पेन होता है, वहां पे हेड केयर का मसाज भी कीजिए, ठीक है? और साथ में OPC और FOS दीजिए। अगर BCM कराने से पेन बढ़ता है तो BCM छोड़ दीजिए, केवल एक्यूलाइफ कीजिए। नहीं सर, उन्हें राहत बहुत मिला है, हमने तो फिर BCM,
जी चिटोसन एफओएस और स्पायरुलिना का डोज चलाया था, हाँ ओपीसी उन्होंने ऐड 1 महीने का ओपीसी ऐड कर दीजिए साहब। ओपीसी ऐड कर दे सर। जी यस सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत ओके हमें जानकारी अच्छी मिली है। तो उस केस में जिसमें वो जो पहला वाला केस जो बताया है, क्या हम उन्हें बीसीएम कुछ रोक के एक्यूलाइफ की जी थेरेपी जी करें? बिल्कुल 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 एक्यूलाइफ कीजिए। यस सर बिल्कुल सर, मुझे ये पता नहीं कि डॉक्टर्स ने उनके जो स्पाइनल का ऑपरेशन क्यों कर दिया उनका सर, कैसे एमआरआई का पहलावे में रिपोर्ट आए मुझे थे। भेज दीजिएगा तो मैं एग्जैक्ट रीजन भी बता दूंगा। सर मुझे व्हाट्सएप का नंबर या फेसबुक का सर आप डिटेल्स नहीं फेसबुक मालूम आप थी। फेसबुक पे इनबॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा। यस सर, फेसबुक में सर आईडी में कौन सी डालूं फेसबुक की? anurag.all.smiles anurag.all.smiles। यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सर सजेशन सर। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके रिद्धि जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे। हेलो सर जी। एक्चुअली मुझे काफी सालों से, मोर देन 10 इयर्स आप समझ लीजिए, सर के बैक साइड में दर्द होता है दोनों कानों के पीछे जी, और इसके लिए मैंने बहुत इलाज कराया, काफी न्यूरो क्लिनिशियन को दिखाया, उन्होंने हमारे एमआरआई कराया जी। तो एमआरआई उन्होंने स्पाइनल कार्ड का भी करवाया और ब्रेन का भी करवाया जी। तो स्पाइनल कार्ड में जो हमारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सिक्स सेवन जो वर्टिब्री में थोड़ा सा डिपोजिशन दिखा रहा था, तो उन्होंने बोला इससे कोई खास बात नहीं है, इतना सभी की होता है, लेकिन अभी तक मेरा दर्द भी नहीं गया। और बैकबोन जो पहले हमको जैसे फिजिकल वर्क करने के बाद हमारा होता था दर्द, अब जो है अक्सर दर्द होता था, परमानेंट दर्द होता रहता है मेरे दोनों, मतलब बैकबोन में जो स्कैपुला बोन पीछे है उनके बीच में समझ लीजिए आप, आपके पास वहां पे हमको दर्द होता है। आपके पास एक्यूलाइफ है? हाँ वो है। एक्यूलाइफ की थेरेपी आप लेना शुरू कीजिए और हेड केयर की थेरेपी, कोई मेडिसिन कुछ भी खाने की जरूरत नहीं होगी, दर्द भी ठीक हो जाएगा। और साथ साथ में सर प्रॉब्लम आजकल ये भी हो रही है, जैसे मैं चलते चलते अचानक से लगता है जैसे मेरे पैरों से जान चली गई, या हम सीढ़ियां उतर रहे हैं देखिए, तो जैसे पैरों स्पाइन से में जान चली। स्पाइन में अगर कंप्रेशन शुरू होगा तो स्पाइन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, एक पाइप है जिसके अंदर से नर्व्स को सेफ रखने के लिए स्पाइन को बनाया गया है। सिंस वो पाइप एकदम एक सॉलिड सिंगल बोन भी हो सकता था, लेकिन फिर वो मुड़ेगा नहीं तो आप झुक नहीं पाएंगे, टेढ़े नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसको छोटे छोटे से स्प्रिंग के जैसा बना दिया गया है स्पाइन, और कुछ भी नहीं। उसमें अगर कोई भी कहीं डिफॉर्मिटी आती है तो वो किसी न किसी नर्व को कंप्रेस करेगा, दबाएगा, तो जो नर्व नीचे की तरफ जाती है, पैरों की तरफ जाती है, अगर वो कहीं दब रही है तो पैरों में नंबनेस आएगी, जो आप बात करें वो नंबनेस होता है। तो आप बीसीएम करना शुरू कर दीजिए खड़े होकर के, और एक्यूलाइफ की थेरेपी लीजिए, ठीक है। बीएसएम मैं कर रही हूँ, एक्यूलाइफ कर रही हूँ, और जहां जहां पे आपको आपका जो रिपोर्ट है उसमें स्पाइन के जिस जिस सेक्टर पे आपको प्रॉब्लम बताई गई है वो सेक्टर को लोकेट करके जो मेन पिंचिंग पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा सेंसेशन होती है वो सब पॉइंट पे 10-10 दिन मिनट की थेरेपी लेना शुरू कीजिए, कंटिन्यूअस 10 से 15 दिन लीजिए, आपको रिलीफ महसूस होना शुरू होगा। एक्चुअली जहां पे जो उन्होंने लोकेट किया जिस पॉइंट को उन्होंने, वहां पे सर्वाइकल प्रॉब्लम मुझे कम है, मुझे बैकबोन में प्रॉब्लम ज्यादा, सर्वाइकल तो अब बढ़ गई है खैर, लेकिन मैम स्पाइन पूरा कनेक्टेड है, स्पाइन पूरा कनेक्टेड है, मतलब जो जो हमारी वर्टिब्रे वहां पे जो हमारे चेस्ट वाले पार्ट में है, थोरैसिक रीजन में, समझने की जरूरत ये है, मैं आपको बताता हूँ, समझने की जरूरत ये है कि स्पाइन एक पूरा का पूरा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, अगर स्प्रिंग के ऊपर के जो छल्ले होते हैं उसमें से दो को मिलाकर के आप बांध दीजिए तो नीचे वाले छल्लों पे ज्यादा, क्योंकि वो उसको खींचेगा, क्योंकि ऊपर फिक्स है नीचे फिक्स है, तो स्पाइन में कहीं भी डिफॉर्मिटी आती है तो उसका असर पूरे स्पाइन पे होता है। तो वो रिपोर्ट में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से, और जहां पे आपका पेन लोकेशन है उसके हिसाब से दोनों के, इसीलिए जो ये मशीनों को कहा जाता है बैलेंसिंग सीरीज कहा जाता है, बैलेंसिंग मतलब शरीर में कुछ इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से कोई दर्द या कोई कंडीशन पैदा हुई, आप उसको इस मशीन से बैलेंस कर दीजिए, वो इम्बैलेंस ठीक होते ही वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो वो इम्बैलेंस को ठीक करना। सर कोई फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए मुझे? फूड सप्लीमेंट तो सारे ही लेने चाहिए, आपके केस से डायरेक्टली रिलेट करता हुआ कोई नहीं है, लेकिन शरीर में इन सब केसेस में आपको मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना और ओमेगा तो यूज करना ही करना चाहिए। सर ऐसा कर सकते हैं कि आपको अपने एमआरआई रिपोर्ट शेयर कर दे व्हाट्सएप पे? जी आप मेरे को फेसबुक के इनबॉक्स में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके योगेश कुमार मुजफ्फरनगर, अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर,
मेरे ना कब्ज की प्रॉब्लम तक तो नहीं चल रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर मुझे। सर मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं एफओएस पाउडर ले रहा हूँ काफी दिनों से जी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। सर देखिए एफओएस क्या है मैं बताता हूँ, इंटेस्टिनल क्लीनिंग के लिए है। इंटेस्टाइन में अगर कचरा फंसा हुआ है तो एफओएस उसको निकाल देगा, ठीक है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि जो डक्ट है वो ब्लॉकेज होता है या श्रिंक होता है, इंटेस्टाइन श्रिंक करने लगता है, ठीक है, या स्टूल जो होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो अलग अलग तरह के रीजन से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन का केवल एक ही रीजन हो जरूरी नहीं है, तो उसकी अगर इससे राहत नहीं मिल रहा है तो आप पानी का इनटेक बढ़ाइए। मैं सजेस्ट करूंगा एच कप का पानी पीजिए और चिटोसन भी साथ में लीजिए और बीसीएम कीजिए। सर बीसीएम तो मैं कर रहा हूँ। सुबह सुबह गर्म पानी पी करके बीसीएम कीजिए, पानी का इनटेक बढ़ाइए, चिटोसन और एच कप का पानी लीजिए। अगर आपको ये सीवियरिटी है तो जरूर वो जो इंटेस्टाइन होंगे ना वो सिकुड़ रहे होंगे, उनका डायमीटर कम हो रहा होगा, तो इवन एफओएस और सप्लीमेंट्स काम कर भी जाएंगे तो रास्ता देखिए। अगर कोई चीज हार्ड हो गई है, स्टूल हार्ड है, तो स्टूल सॉफ्टनर का काम करके उसको निकाल देगा, लेकिन अगर रास्ता ही कम चौड़ा हो गया तो पहले उसको भी खोलना पड़ेगा, तो उस केस में थोड़ा रिजल्ट आने स्टार्ट होने में टाइम लगता है, एक बार हो गया तो फिर ठीक हो जाएगा। हमारी वाइफ को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस में हाँ, इनको साथ में टी पॉली स्पाइरुलिना और मल्टी वाइटमिन देना शुरू कर दीजिए। हाँ ओमेगा दीजिए, ओमेगा तो सारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, ओमेगा तो दीजिए, लेकिन आर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिकली टी पॉली स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन की कॉम्बिनेशन चाहिए। कभी-कभी सर सूजन बढ़ जाती है इनको। हाँ खासतौर पर ठंड में ज्यादा ही बढ़ जाती है, तो कोई बात नहीं। ये जो ये एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें इनिशियल रिजल्ट आने में टाइम लगता है, 3-4 महीने तक लग जाते हैं रिजल्ट दिखाने में, लेकिन ठीक होता है। ठीक ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू जय सर। सुरेश चंद्र उत्तम, सुरेश चंद्र उत्तम अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। सर एक पेशेंट है जी जिसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, वो सर के बल गिरा था। तो उसका इलाज चला है, कुछ हद तक वो ठीक हुआ है, पहले तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था जी, लेकिन जैसे पैरालिसिस आते बॉडी में नहीं अटैक होती जी, सर उसी तरह उसका आधी बॉडी में पैरालिसिस अटैक है, वो आधी बॉडी मूवमेंट एक हाथ एक पैर कुछ नहीं हो रहा। ओके कब हुआ था एक्सीडेंट? ये हो गया साल भर सर। सर्जरी भी हुई थी? नहीं सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं हुई सर। इंटरनल हेमरेज ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ब्रेन में? जी यही कुछ है, ऐसा कुछ है तभी तो नहीं हो रहा था। आप मेरे को फेसबुक पे इनबॉक्स में इसके रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ये एक्यू लाइफ और हेडकेयर की थेरेपी इसमें चाहिए होगी और बीसीएम भी चाहिए होगा, लेकिन पहले मुझे इंजरी क्या है वो देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कहीं हम कुछ ऐसी थेरेपी कर दें कि इंजरी उसका फिर से बढ़ने लगे, तो पहले रिपोर्ट देख लेना सही रहेगा, क्योंकि ब्रेन का केस है। इस केस में बिना रिपोर्ट देखे हुए मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर सर? व्हाट्सएप पे नहीं, आप फेसबुक में anurag.all.smiles करके मेरा फेसबुक पेज है, उसमें इनबॉक्स में भेज दीजिए रिपोर्ट। ठीक ओके जरूरत होगी तो मैं नंबर शेयर कर लूंगा। ओके सर ओके। मोहिनी श्रीवास्तवा जी अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछे। मोहिनी गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मेरी फ्रेंड है उनको लाइकेन प्लांट्स हो गया है जो कि इम्यून सिस्टम की खराबी से होता है। हाँ ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बताइए जी। ये उनको ना एलोपेशिया एरेटिया हो गया है। ओके उनके बाल सर्कल में गायब हो गए हैं, तो उनको क्या क्या मेडिसिन या सप्लीमेंट्स देने चाहिए? उनको आपको देना होगा जिंक, मल्टीविटामिन, ठीक है, हेयर ऑयल, हेड केयर की थेरेपी और टी पॉली। अच्छा टी पॉली और हेयर ऑयल और थेरेपी, जिंक, मल्टीविटामिन। हाँ जी जिंक मल्टीविटामिन हो गया और हेड केयर थेरेपी जी। जी सर ये थोड़ा उनको बहुत सीवियर हो गया है, तो आई थिंक वो भी ऑनलाइन है क्या, एक बार आप उनको अगर वो हैंड रेज करेंगी तभी मैं कर पाऊंगा। सर मृदुला श्रीवास्तव के नाम से है। मृदुला जी ने हैंड रेज कर दिया, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। मृदुला जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी। हेलो जी जी बताइए। हेलो गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर, मेरे को करीब
20 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है लेकिन प्लेनस की, और उसके बाद मुझे ये एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई पिछले 10 साल से, तो वो सर्कल्स में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम, शायद नेटवर्क का इश्यू है आपका। तो वो पहले तो बिल्कुल चिकना था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी, देखिए मैम, जैसा कि आपने बताया 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है, तो जो हाँ मैंने आपकी आवाज सुन ली है, आपको आ रही है मेरी आवाज? 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है ये, तो ये हेड केयर के बस की बात नहीं है, तो आपको इसमें एक्यूलाइफ की थेरेपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका भी कंडीशनिंग थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स में इंटेस्टाइन का और पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा। सर मैं लाइकेन प्लैनस के लिए मैं स्टेरॉइड्स लेती थी पिछले 10-15 साल से रेगुलर, और डेफकॉट नाम की एक मेडिसिन खाती थी मैं स्टेरॉइड के नाम पे, तो वो अभी मैंने एक महीने पहले मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बंद करवाई है मेरी वो मेडिसिन, और उसका थोड़ा सा मतलब साइड इफेक्ट होता है आपको पता है, तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा वेट बहुत गेन हो गया है इसी वजह से, वो कहते हैं मतलब ये जो वेट लॉस भी ये आपके ये आपके जो ये आपका जो लाइकेन प्लैनस का प्रॉब्लम है, इसमें दो मोस्टली दो चीजें अफेक्ट होती है, एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन और एक हमारे स्किन के सेल्स, तो आपको ये दोनों ही चीजों पे अफेक्ट कर रहा है या केवल स्किन पे अफेक्ट कर रहा है? मेरे को ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हो रहा है, और एक काम कीजिए आप ना, मेरे को फेसबुक पे मेरा anurag.all.smiles करके फेसबुक प्रोफाइल है, उस पर आप मेरे को इनबॉक्स में अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिए, और थोड़ा सा जहाँ जो आपका जो हेयर का जो पैचेस जहाँ से निकले हैं ना, इस पर एक बार फोटो क्लोज करके क्लोजअप ले करके वो भी भेज दीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको डिटेल में वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, मिस्टर मनोज यादव, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही, अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी, हो रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। वो किसी का फोन आया था, वो एक्चुअल में कहीं बैठे हैं, वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको मैं एक बारी कर देता हूँ जी। राघवेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो हेलो जी डॉक्टर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, एक सवाल पूछना था। एक लेडीज आई हुई है, सिंगर है हमारे यहाँ, वो अभी उनकी एज 21 साल है जी, और उनके गले में सर वो गाना गाती है जब, तो उनके गले में जो है बहुत पेन रहता है, इसमें लगातार पेन बना हुआ है, इनको बीच में एंजाइटिस भी हो गया था, और पेट की बहुत सारी समस्या है, लीवर वगैरह दिक्कत है, और साथ ही उनको गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गले में ही इसमें है, तो उनको मैं क्या रिकमेंड करूँ सर? सर उनको जिंक, टिपोली और कॉर्डिसेप्स की चाय आप रिकमेंड करें, ठीक है? जिंक, टिपोली और कॉर्डिसेप्स। अभी मैंने सर उनको चिटोसन जिंक और हमने वो एफएस दिया हुआ है। हाँ, चिटोसन और उनके पेट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए एफओएस और चिटोसन तो आपको देना ही होगा, गले के लिए मैं बोल रहा हूँ जिंक, टिपोली और कॉर्डिसेप्स, तीनों का एक एक कैप्सूल लीजिए, एक कप गर्म पानी में, जितना गर्म बर्दाश्त हो सके, ल्यूकवॉर्म ने जितना गर्म वो बर्दाश्त कर सके उसमें डालें, और सिप करके उसको दिन में 3 बार कम से कम पिए, ठीक है? एक तो ये हो गया, दूसरा जी, दूसरा वो अगर, और कॉर्डिसेप्स, हाँ जी, उसको गर्म पानी में खोल के कैप्सूल का पाउडर डाल देना है। दूसरा, उनको सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद, जो अपना गार्गल वगैरह करने के बाद, वो अगर उनके पास हमारा जो फ्रिज प्यूरिफायर अवेलेबल है, तो उससे जो हवा निकलती है ना, उससे जो ओजोन निकलता है, उसको उनको बोलिए हार्डली 15 से 20 सेकंड के लिए मुंह में लेने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, 15-20 सेकंड मैक्सिमम, 10-20 सेकंड के बीच में, 10 सेकंड भी ले चलेगा, ये डेली सुबह करना है, लंच ब्रेकफास्ट करने से पहले। और बाकी लीवर के लिए आप कर ही रहे हो, एच कप का पानी अगर आप साथ में दे दीजिए तो और भी चमत्कार हो जाएगा। एच कप का पानी हमने स्टार्ट किया था शुरुआत में जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा।
बात है सर, उनको दिक्कत इस बार गाना जब गाती है तो वो बहुत ज्यादा पेन होता है, उसी के लिए वो आई हुई है और बहुत ज्यादा वो दिखा चुकी है हर जगह। हाँ, उनको कुछ दिनों तक ये बोलिए लेने के लिए, ये करने के लिए, उनके वोकल का अगर अगर दर्द होता है तो उनको बोलिए एक्यूलाइफ रख लें और एक्यूलाइफ की थेरेपी ले लें, क्योंकि वहां पे जब जैसे ही प्रेशर पड़ता है ना तो वो उसमें स्वेलिंग आ जाती होगी, उसकी वजह से दर्द होता है, तो पेन में रिलीफ देने का काम कर, हाँ तो पेन में रिलीफ देने का काम एक्यूलाइफ करेगा जी। एक्यूलाइफ किस पॉइंट पे दोस्त, किस किस पॉइंट पे? थ्रोट के पॉइंट पे। एक्यूलाइफ किस किस पॉइंट पे दो सर? मैं थ्रोट पॉइंट पे, थ्रोट पॉइंट पे, थ्रोट के पॉइंट पे जी जी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके भारती पुजारी मैम, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक लेडी है वो 62 इयर्स का जी, पूरा सारा बॉडी में स्किन सोरायसिस हो गया है सर। सोरियोसिस, सोरायसिस हो गया है जी सर। सोरायसिस के सोरायसिस कब से है उनको ये प्रॉब्लम? अब एक साल हुआ सर। Okay. बहुत ट्रीटमेंट किया सर, अच्छा नहीं हुआ। कहीं से फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर मंगवा लो, अगर मान लो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है कहीं, अगर आपके पास है तो आप दे दो, नहीं तो कहीं बाहर से मंगवा लो। आप मनोज जावा सर को रिक्वेस्ट कर लीजिएगा या तो वो मंगवा, कहीं ना कहीं बाहर से आ जाता है, थोड़ा सा हो सकता है कुरियर चार्जेज वगैरह ज्यादा पड़ जाए, लेकिन कई कंट्रीज में अभी भी अवेलेबल है, इंडिया में अभी उसकी स्कार्सिटी है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर से पानी को ओजोनाइज करके उनको नहाना शुरू करने के लिए बोलिए, ठीक है? और साथ में उनको ओमेगा टी पॉली एफई प्लस और स्पाइरोलिना लेने के लिए बोलिए, मल्टीविटामिन लेने के लिए बोलिए और हमारा हेयर ऑयल लगाने के लिए बोलिए। ओके सर, नहाना भी दे रही हूँ हेयर वॉश वो नहाने के लिए। नहीं वो नहीं, ये जो ओजोन, ओजोन वाला जो पानी है ना, ओजोनाइज्ड वाटर, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उस पर, इसीलिए फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर चाहिए। ये सारी चीजें काम करेगी बट उसको ठीक करने के लिए ओजोनाइज्ड वाटर इज रिक्वायर्ड। लिवर के लिए ओमेगा आप दे ही रहे हैं, लिवर के लिए आप एच कप और सिटोसन दे दीजिए। कैंसर का जो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट भी बताएगा, वो ट्रीटमेंट उनको रोकने के लिए मत बोलिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसा इलाज, देखिए कैंसर एक ऐसा चीज है जो कभी भी तुरंत बढ़ जाता है, तो अगर दो तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वो ट्रीटमेंट भी चल रहा है, हमारा ट्रीटमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, तो जल्दी ठीक होगा जी सर जी। लेकिन जो गॉल ब्लैडर का है वो ऑपरेशन अभी नहीं होगा बोला है? नहीं, गॉल ब्लैडर नहीं, जब अगर कैंसर है उनको तो कोई एक्यूलाइफ की थेरेपी, बीसीएम की थेरेपी, मशीनों की थेरेपी नहीं दीजिए उनको अभी जी सर, अभी नहीं होगा, अभी उनको झेलना पड़ेगा, पहले उनका कैंसर ठीक होगा उसके बाद ये ठीक किया जाएगा, अभी उनका कोई एलोपैथी वाला भी कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, जब तक कैंसर है तब तक उनके किसी दूसरी बीमारी को टच नहीं किया जाएगा। विवेक जॉन, अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरा बच्चा एक है 6 साल का जी, और उसको दिल में छेद सर जी, तो उसको इसमें कुछ इलाज हो सकता है? डॉक्टर सर्जरी करने के लिए बोला। हाँ, डॉक्टर सर्जरी करने के लिए बोला है तो आप उसको इमिडिएटली जिंक, प्रोकिड्स, स्पाइरोलिना और एफी प्लस खिलाना शुरू कर दीजिए। जिंक के उसको 2 कैप्सूल दीजिए, एफी प्लस का 1 कैप्सूल, स्पाइरोलिना का 1 या 2 कैप्सूल दिन में 3 बार, प्रोकिड्स दिन में 2 बार, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और 0 इंटेंसिटी पे एक्यूलाइफ की थेरेपी हार्ट के पॉइंट्स पे दीजिए, ठीक है? और जिंक सुबह शाम सर? हाँ, लंच के बाद आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद 1-1 कैप्सूल, एफी प्लस लंच के आधे घंटे बाद, स्पाइरुलिना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों के बाद 1-1 या 2 कैप्सूल करके 1-1 कैप्सूल से स्टार्ट कीजिए, ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर सीपी गौन अपने आप को अनम्यूट करके पूछे सर। डॉक्टर सीपी सर जी सर। हाँ सर नमस्कार जी। नमस्कार मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक पेशेंट है मेरा जी, एक्चुअली मैं उसको बीपी की भी प्रॉब्लम है और लीवर की भी, मतलब हैबिट ड्रिंक कर भी रहा है ओके, और डाइजेशन का इशू, तो मैं क्या उसको कॉर्डिसेप्स और कीटोसन जी तो सप्लीमेंट देना चालू किया, तो उसको लेने के बाद उसका बीपी थोड़ा सा रेस्ट और घबराहट चालू हो जाता है जी। कॉर्डिसेप्स दीजिएगा, कॉर्डिसेप्स ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो बीपी बढ़ सकता है, घबराहट हो सकती है, कॉर्डिसेप्स रोक दीजिए, चिटोसन दीजिए, एफओएस दीजिए, ओमेगा दीजिए और एच कप का पानी दीजिए। जी अभी मैंने उसको बीसीएम परचेस करवाई है, तो बीसीएम नहीं, अगर बीपी अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ता है तो बीसीएम ना करवाए, लेकिन अगर बीसीएम बीपी का रहता है कि मैक्सिमम इतने तक ही जाएगा और दवाओं से कंट्रोल हो रहा है तो दीजिए। बीपी के केस में सबसे अच्छा है, अगर बीसीएम कराना किसी को जरूरी लगे, बीपी के केस में अच्छा है कि आप एक्यूलाइफ की थेरेपी पे रिलाई करें, अगर बीसीएम कराना किसी और वजह से, जैसे पैरालिसिस के केस में भी होता है बीसीएम कराना जरूरी है, तो इन दैट केस बेहतर होता है कि आप उनको जॉय नेकलेस और ब्रेसलेट पहना दीजिए और बीसीएम कराने से पहले 15-20 मिनट हेड केयर करा दीजिए जी। ओके ओके ओके। अच्छा एक पेशेंट और था सर, तो उसका एक्चुअली में यूटेराइन कैंसर था, ऑपरेट हो चुका पेशेंट जी, ऑपरेट होने के बाद उसको लगभग 8-10 महीने बाद उसको रीग्रोथ चालू हो गई उसकी। हाँ ये होता है कैंसर के साथ, ये चीज अभी हो गई है क्योंकि कैंसर का उसके उनका कुछ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी वगैरह कुछ हुआ था। हाँ रेडियोथेरेपी उसका चला था उसका, अभी उनको कीमोथेरेपी के लिए बोलेंगे। अभी उनको देखिए, अगर कैंसर का रीग्रोथ हो रहा है और ये फैल रहा है तो इन दैट केस अभी उनको मोस्ट प्रोबेबली कीमोथेरेपी सजेस्ट करेंगे, वो होने दीजिए, उसको रोकने के लिए मत बोलिएगा। साथ में उनको आप टीपोली एच कप ओपीसी चिटोसन एफई प्लस और स्पाइरुलिना ये स्टार्ट कर दीजिए। इससे ये होगा कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कीमो का अगर उनको बोलते हैं कि 8 साइकिल लगेगा तो 4 साइकिल में ही काम हो जाएगा, उनका डॉक्टर खुद ही 4 साइकिल के बाद कीमो बंद कर देगा, और अगर ये एच कप का पानी वो पीते रहेंगे अगर 2 साल तक भी कंटिन्यूअस, तो रीग्रोथ के चांसेस फिर पूरी लाइफ के लिए खत्म हो जाएंगे जी। जी ओके 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 थैंक यू सर। ओके विवो 1803 अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। आप लोगों को अगर सवाल पूछना होता है तो कम से कम अपना नाम तो लिख लीजिए, नाम नहीं बताऊंगा कैसे पता चलेगा। विवो 1803 शबाना बोल रही हूँ जी, बताइए। सर मेरे को प्रॉब्लम है, 3 साल से सर थायराइड और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे को जी, और मेरे को पता इससे चला था कि मेरी लेफ्ट साइड की आई बॉल बाहर आने लगी थी। ओके तो उसमें मैंने डॉक्टर थे कोई आई स्पेशलिस्ट, उन्होंने उनको मैंने बोला कि भैया मेरे को आईज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आई आँख फड़कने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को आई टीचिंग कर रही थी जी। तो उन्होंने बोला भाभी कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, आप थायराइड चेक कराओ, तब जाके मुझे थायराइड प्रॉब्लम पता चला और दोनों साथ में कोलेस्ट्रॉल भी पता लगा। तब से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी बट मैं होम्योपैथी ही ले रही थी, एलोपैथी नहीं लिया मैंने और अभी 2-3 महीने से मेरे जब से रिपोर्ट में आ रहा था दोनों बढ़े हुए आते थे मेरे को थायराइड और कोलेस्ट्रॉल, लेकिन अभी 3 महीने से मेरे को दोनों नॉर्मल आ रहे हैं, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों नॉर्मल आ रहे हैं, बट फिर भी मेरे आई का इफेक्ट बंद नहीं हुआ, आई बॉल फिर भी बाहर ही आ रही है मेरे को जी। थायराइड की वजह से वो बाहर चला गया, तब उसको अंदर लाने के लिए आपको हेड केयर और एक्यूलाइफ की जरूरत पड़ेगी। थायराइड आपका कैसे नॉर्मल आ रहा है, आप दवा ले रहे हैं कुछ उसके लिए? जी हाँ मैं सब एक तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ और एक होम रेमेडी ले रही हूँ। ओके आप तो, अगर मेडिसिन पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं, व्हाटएवर मेडिसिन यू आर टेकिंग देन वेल एंड गुड, नहीं तो आप बीसीएम ले लीजिए। बीसीएम बिना दवा के आपके थायराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों को नॉर्मल करेगा, ठीक है। कुछ दिनों तक ओमेगा और जिंक ले लीजिए, आंखों को भी फायदा पहुंचाती है ये दोनों चीजें। 3-4 महीने ओमेगा और जिंक ले लीजिए और बीसीएम करना शुरू कर दीजिए। आंखों के लिए, आंखों पर प्रेशर बढ़ने से जो वो बाहर आ रहे हैं उसके, उस प्रेशर को डायलेट करने के लिए आपको ये हेड केयर की थेरेपी लेनी होगी जिस, ठीक है, जिस आंख में प्रॉब्लम है उस आंख के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी और उसी साइड में कनपट्टी के आसपास हेड केयर का मसाज कीजिए, ठीक है। ओके ओके सर। ओके और टेबलेट में सिर्फ ओमेगा और जिंक लेना सर जी? जी सर। ये मेरे को अभी फ्लोटर्स भी ज्यादा दिखने लगे हैं आईज में, जो फ्लोटरिंग होती है ना स्पार्कल्स की,
क्योंकि आपने, वो ज्यादा होने क्योंकि लगी आपने थायराइड को कंट्रोल किया हुआ है ना, ठीक तो किया नहीं है जी, ये जी। आपने क्या किया है जी? तो चाय ज्यादा मीठी हो गई तो उसमें गर्म पानी डाल दिया है, तो चाय अच्छी नहीं हो जाएगी ना उससे, बस मिठास कम हो जाएगी। ओके। तो आपने क्या किया है, चीनी का वैल्यू कम कर दिया है बस, रिपोर्ट में जो वैल्यू ज्यादा आ रहा था उसको घटा लिया, उसको ठीक कीजिएगा तो ठीक हो जाए। ठीक है जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैजू शाह जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे। बैजू शाह जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में आकर के पूछे। जब तक बैजू शाह जी नेटवर्क में आते हैं, फेसबुक पे सवाल है संदीप चौधरी जी, मसल्स डेवलपमेंट करने के लिए बीसीएम हेल्प नहीं करता, उसके लिए तो जिम में जाकर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए जरूर बीसीएम हेल्प करता है। जिन लोगों ने भी फेसबुक पे पीडीएफ मांगी है उनको मैं पीडीएफ दे दूंगा, और फेसबुक पे जिन लोगों के भी जो सवाल है वो लिख दीजिए, अगर मैं अभी नहीं भी ले पाया तो फेसबुक का तो एक फायदा है कि मैं बाद में भी वो क्वेश्चन का, जैसे अश्विनी जी ने लिखा है कि आई हैव अ क्वेश्चन, आप जरूर अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। सर जी मेरा आंख बहुत ज्यादा दवता, तो मैं उसका जवाब जरूर ये सेशन के बाद में, डिनर विनर करने के बाद में आराम से आप लोगों को जवाब उसका लिख दूंगा। बैजू शाह जी की आवाज नहीं आ पा रही है, बैजू शाह जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए एक बार नेटवर्क में आकर के दोबारा से आप आ जाइए, तब तक मैं सुभाष फ्रॉम मस्कट, अरे वाह मस्कट से भी लोग हैं, अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। सुभाष जी जी, सुभाष जी आपके भी नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क ठीक करके दोबारा हैंड रेज कर लीजिएगा प्लीज। सिक्का 101, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो सर जी। सर मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम ईशान द्विवेदी है। ओके सर, मेरे सब अभी सर 2-3 महीनों से सर मेरे चेस्ट में कभी पेट पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी दर्द होता है हल्का फुल्का, जरा सा, और खाना डकार भी मुंह में आता है, तो सर मैंने इसके लिए आयुर्वेदिक दवा करी थी जी, लेकिन सर उससे कुछ मुझे आराम नहीं मिला था। और सर रात में सोते टाइम मेरे चेस्ट में कभी लेफ्ट चेस्ट पे एक पॉइंट पे, कभी राइट चेस्ट पे एक पॉइंट पे दर्द होता है जी। अब टीएन से कब से जुड़े हुए? और सर मेरे नाखूनों में सर हाथ के बड़े अजीब सी वो हो रही है सर, आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो ऑन करके, ये देखिए सर। एक मिनट, आपका वीडियो देख ढूंढना पड़ेगा ना मुझे, हाँ दिख रहा है जी, आपके पेट का हाल खराब है। आप एक काम करो, आप FOS सुन रहे हैं आप आवाज? हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ आप FOS जिंक मल्टीविटामिन लेना शुरू कीजिए, ठीक है, ओमेगा लेना शुरू कीजिए, FOS ओमेगा जिंक और मल्टीविटामिन, जॉय नेकलेस पहनिए और ब्रेसलेट पहनिए, और हेड केयर से अपने चेस्ट पे मसाज करना शुरू कीजिए। ओके okay. सर सर ये कुछ ज्यादा दिक्कत वाली चीज है? नहीं नहीं ज्यादा दिक्कत वाली चीज सर, का मुझे फिर से बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है? ये गैस बबल्स बनते हैं आपको सर, ये तो बहुत दिनों से, और सर ये हाथों में मेरे ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये नाखून, ये जिंक की जिंक की कमी से होता है। ठीक है सर, और सर ये सर मेरे क्या है कि मेरे शोल्डर्स में पीठ पे एक पॉइंट पे घुटने पंजे वंजे बहुत दर्द होते हैं, मतलब अकड़न मचती है पंजों पे। अकल मतलब कहा ना आपको लिवर की कंडीशनिंग की जरूरत है, बहुत सारे एंजाइम्स आपकी बॉडी में ठीक से सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो डकार आने की प्रॉब्लम हो रही है ना, उसकी वजह यही है। एक साथ गैस बन जाती है तो गैस महसूस होता है, लेकिन जब गैस बबल्स में कभी कभी बनता है और निकल जाता है, इरप्ट हो जाता है, तो वही इरप्शन डकार कहलाता है, लेकिन वो जब बॉडी में कहीं पे अटकता है वेंट्रिकल्स में ऐसी चीजों में, तो फिर उसकी वजह से पेन क्रिएट कर देता है वो, ठीक है, वो जब ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है बबल्स, तो वो कहीं ना कहीं फिर जो जॉइंट्स के पास भी पेन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वहां पे वो ब्लॉक करता है, जहां पे भी एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होगा अगर हम TCM के हिसाब से देखें तो वहां पे पेन होगा। ठीक है
सर। अगर आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से रिलीफ चाहते हैं तो बीसीएम की थेरेपी रोज कीजिए गर्म पानी पी के। ठीक है। और सर ये कुछ बाहर का खाना नहीं बंद करना पड़ेगा? बाहर का खाना तो ऐसे ही है, अगर हेल्दी रहना है तो बंद करना पड़ेगा, चॉइस आपकी है, बॉडी तो आपकी है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। खुश सिक्स्टा डेल, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। सर ये कुछ लोग ना हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा इन्होंने कर लिया है, ठीक है। जो नहीं कर पा रहे वो मैसेज में लिख दें। नहीं नहीं नहीं, हो गया उनका हैंड रेस। ठीक है। खुश सिक्स्टा डेल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जावा सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा मेरे क्वेश्चन भी है और एक शेयरिंग भी करना चाहती हूँ। जी जरूर। शेयरिंग ये है कि एक्वा लाइफ हमारे बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है, मेरे पास भी है जी। तो मैंने कुछ दिन पहले ही उसके एक्वा लाइफ का मतलब ट्रेनिंग लिया था जी नासिर सर से जी। तो परसों ही रात को मेरे बेटे का कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है रात को। ओके। तो उसे 3 बजे के करीब, तो हमें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं जी। बहुत ज्यादा रोए जा रहा था, तो मैंने कान के पॉइंट में थेरेपी दिया। तो उसके 10 मिनट बाद तो उसको हो गया, और उस दिन से लेकर आज तक उसके कान में दर्द भी नहीं हुआ है। जी बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपने शेयर किया, इसीलिए मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलता हूँ कि एक बार लोन लेकर के चाहे करना पड़े लेकिन ये मशीनें अपने घर में रखिए, क्योंकि रात में अगर 2 बजे उठ के, कितने बजे, 2 बजे हुआ था दर्द, कितने बजे? 2 से 3 बजे के बीच। हाँ, रात में अगर इस टाइम में दर्द हो तो एक तो डॉक्टर ढूंढना, डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर को ढूंढना, मिले ना मिले, फिर उसके बाद दवाई ढूंढना, ये सब कितना बड़ा महाभारत है। पैसे तो खर्च होंगे ही, और अगर रात के ऐसे टाइम में हो तो 3-4, अगर छोटी सी चीज भी है तो 3-4-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। और ये मशीन अगर आपके घर में है तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, दांत का दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, टाइम बे टाइम दवा मिले ना मिले एक्यूलाइफ से ठीक हो सकती है। बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया आपने। अब बताइए आपको क्या पूछना। मेरे को ये पूछना था, मेरे ना काफी दिन से मतलब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया कमर में बहुत दर्द हो रहा है अपना खुद के कमर में। तो कौन से वाले पॉइंट में मैं थेरेपी लूँ अपना? कमर में कहाँ, साइड में दर्द हो रहा है, सेंटर में दर्द हो रहा है? बीच में, सेंटर में। हाँ तो स्पाइन का जो लोअर हिस्सा है ना वहाँ पे चेक कीजिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा चुभन होती है वहाँ पे थेरेपी लीजिए। ओके। और सप्लीमेंट क्या लो सर? सप्लीमेंट स्पाइरोलिना लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, ओमेगा लीजिए। थैंक यू सो मच सर। ओके। मोनिका पोंटा साहिब, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे मैम। मोनिका पोंटा साहिब, मोनिका जी की आवाज नहीं आ रही। मोनिका जी आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। कलावती मैम अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो सर। जी अनिल मेहंदा बोल रहा हूँ सर। अनुराग सर आपको? जी जी बताइए। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मनोज जावा सर गुड मॉर्निंग। मनोज सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, मैं बहुत दिन से लाइन में लगा हूँ सर, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। जी अभी तो आ गया, बताइए। आप अनम्यूट कैसे हो गए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बताइए। जैसे भी हो गया मैं लाइन में लग गया, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म होने वाला ना, 10:30 खत्म हो चुका है। बताइए बताइए फटाफट बताइए बताइए। सर एक बच्चा है जो जन्म से ही ना दब गया था, अंदर दबने से हुआ है अंदर ही, उसके एक पैर और एक हाथ में दिक्कत है। कहाँ दब गया था? थोड़ा तुतला के बोलता है, अभी उम्र उसकी 12 साल है। दब कहाँ गया था? मतलब उसकी कोई नस दबी हुई है अंदर से। अच्छा, मुझे लगा बच्चा दब गया था, बोले पता नहीं कहाँ है ना, वो पलटी मार जाता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ सिस्टम। हाँ सुनिए, उसको हेड केयर की थेरेपी कीजिए, ब्रेन आर्टरीज पे एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए, ठीक है, और बीसीएम भी कराइए, साथ में उसको जिंक दीजिए, एफई प्लस दीजिए, स्पाइरोलिना दीजिए। सर मैं भी उसको रिकमेंड कर रहा हूँ, बीसीएम यूज करवा रहा हूँ 1 हफ्ते से। नहीं एक्यूलाइफ भी दीजिए ब्रेन आर्टरीज पे। जो उसके हाथ मूव नहीं कर रहे थे मूव करने लग गए? जी बिल्कुल करेंगे। और उसको मैं ओमेगा और प्रोटीन बिस्किट, जिंक और मल्टीविटामिन दे रहा हूँ। स्पाइरोलिना दीजिए और उसको,
ठीक है। ठीक है सर, और एक्यूलाइफ और हेड केयर भी शुरू कर दीजिए, और फास्ट रिजल्ट आएगा अगर सर पॉसिबल। मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है सर, कर जी दूंगा। कर दीजिए शुरू। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा लास्ट में। जी सर, मेरी वाइफ भी लाइन पे है, सुन रही है, मैं भी बोल रहा हूँ। जी सर, उनको ना जब छोटे वाला बेटा हुआ था उस टाइम उसके चेहरे पे ना छाइयां आ गई थी। जी तो उसके बाद में उसने कुछ प्रोडक्ट यूज करने चालू किए मेडिकल से, कोई ट्यूब वगैरह वगैरह काफी कुछ, तो उसकी एक ऊपर की लहर की चमड़ी है ना वो खत्म हो चुकी है। जी तो उसके लिए सर क्या रिकमेंड करना चाहिए? जिंक, मल्टीविटामिन, एफी प्लस, स्पाइरुलिना खाना भी है और स्पाइरुलिना लगाना भी है। जिंक, मल्टी, एफी प्लस, स्पाइरुलिना, साथ में ओमेगा भी ऐड कर दीजिए और भी अच्छा रहेगा। ओमेगा खा रही है सर फिलहाल। हाँ तो स्पाइरुलिना को लगाना भी है, स्पाइरुलिना का पैक लगाना है, जो स्किन जहां पे डैमेज हुई है वहां पे स्पाइरुलिना का पैक लगाना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। कलावती मैम। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा क्या कहते हैं क्वेश्चन है सर। जी, एक पेशेंट है सर वो टीवी के। जी तो सर हमारे पास टीवी के लिए कुछ है सर? टीवी के लिए अब बहुत कुछ है मैम। टीवी के लिए आप उनको कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं, सबसे पहले तो कॉर्डिसेप्स दीजिए। टीवी के लिए उनको टी पॉली दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, जिंक दीजिए, ओमेगा दीजिए। मल्टीविटामिन, जिंक, ओमेगा, ओमेगा, कॉर्डिसेप्स, टी पॉली, स्पाइरुलिना, ये तीन चीजें मस्ट है, बाकी तीन चीजें ऑप्शनल है, लेकिन कॉर्डिसेप्स, टी पॉली और स्पाइरुलिना, जिंक, ये चार चीजें मस्ट है। ठीक है जी सर। सर इनको दे सकते हैं इक्विपमेंट? नहीं, इक्विपमेंट का कोई थेरेपी नहीं। सर एच कप का पानी दे सकते हैं? एच कप का पानी पिला सकते हैं। एच कप का पानी तो किसी भी, एच कप एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका पानी किसी भी केस में किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोगों को इतना नॉलेज देते हैं। आपको, थैंक यू मैम, थैंक यू जावा सर को और फरीदा मैम सब लोगों को, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जयशंकर जी, अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जयशंकर जी, फेसबुक पे दीपेंदु मुखर्जी। जी जी जयशंकर जी पूछिए। सर जी पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर एक बच्चा अभी पैदा हुआ है जी, 1 महीना का। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर आपने कैमरा ऑन किया हो तो कैमरा बंद कर लीजिए या नेटवर्क में आ जाइए, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर कैमरा तो ऑफ ही है मेरा। अभी आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ तो एक बच्चा 1 महीने पहले हुआ था, तो उसके जन्म के समय ना उसका सर जैसे कि जो जैसे डिलीवरी कर रहे थे ना तो वहां पे उसको ना लेडीज को उठा दिया और चलवा दिया, उस बच्चे को धक्का लग गया थोड़ा सा सर में। ओके। और उसका सर भी थोड़ा सा दब गया और उसके पैर हाथ ना अभी थोड़ा से टेढ़े हो रहे हैं। बच्चा की उम्र क्या है? 1 महीना। क्या कर सकते उसको? क्या 1 महीना उम्र है? 1 महीना हुआ है अभी, मतलब पैदा ही होते ही, मतलब जी, कंडीशन जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ जी सर। अभी हम उस बच्चे को कुछ नहीं दे सकते अपना, लेकिन उनके जो मदर है उनको आप स्पाइरुलिना, जिंक, मल्टीविटामिन और एफी प्लस खिलाना शुरू कीजिए। ठीक है, यही चार चीजें, स्पाइरुलिना और जिंक मस्ट है। ठीक है, उनकी मदर को, ताकि बच्चा दूध पिएगा वो उसको भी उसका फायदा मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो स्पेशलिस्ट कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो इस तरह के नवजात बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, तो कौन सा द्वारा बोलेगा? पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो नवजात बच्चों के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली होती है उन्होंने। ठीक है, सारे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर पाते वो, तो वो ढूंढना पड़ेगा, उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास उस बच्चे को ले जाने के लिए बोलिए। ठीक है, उसका नाम दोबारा बोलिए, ध्यान। पेडियाट्रिक पेडिया जैसे पेडियाट्रिशियन, बच्चों का फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, बच्चों का फिजियोथेरेपिस्ट। और सर क्या बोले थे सर? बच्चों के फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे। हेलो, हो गया सर। जिंक क्या क्या बताया था? सप्लीमेंट, स्पाइरुलिना, जिंक तो मस्ट है, साथ में मल्टीविटामिन और एफी प्लस भी।
एफपी प्लस मल्टीविटामिन जी। ओके थैंक यू सर। ओके जी थैंक यू सर। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। शाह हुसैन जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जब तक शाह हुसैन जी गुड मॉर्निंग। छाले हैं तो सर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। आप एच कप का पानी चिटोसन लीजिए ठीक हो जाएगा। चिटोसन का क्या करें आप, चिटोसन को कैप्सूल के तौर पे खाने की बजाय चिटोसन को खोल के उसका पाउडर मुंह में रख लीजिए, वो अपने आप ही घुल के आप उसको निगल जाइए, तो ये दोनों तरह से काम करेगा ठीक हो जाएगा। हो गया जी। थैंक यू सर। ओके ओके सर। अभी मैं नेक्स्ट फेसबुक पे पैनक्रियाटिस के लिए डी मुखर्जी साहब ने पूछा है, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। अनिल श्री जी ने पूछा एच कप के वाटर से सप्लीमेंट दे सकते हैं। जी दे सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्स देने का फायदा तब है जब आप उसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ दें और एच कप के पानी को गर्म कर नहीं सकते। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स हमेशा ल्यूक वार्म नॉर्मल पीने के साफ पानी के साथ दें, एच कप का पानी अलग से पिए। अभी मनोज यादव जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये ना मेरे कमर में दर्द रहता है पीठ में और ये दोनों कंधों में दर्द रहता है। कमर में और कंधों में दर्द रहता है। आपके पास BCM और एक्यूलाइफ है? हाँ जी। हाँ तो आप कंधों के दर्द के दोनों हाथ रखे भी थे पहले, तो आपके दो मोबाइल शायद साथ साथ रखे हो, उसको हटा लीजिए एक को। हाँ जी। और ये एक आंखों की वजह से ना सर में दर्द रहता है। पहले मोबाइल साइड कर लिया आपने? नहीं वो वॉइस इको हो रही है। हाँ तो BCM पे दोनों हाथ रख के थेरेपी लीजिए खड़े होकर के 5 मिनट और 5-7 मिनट बैठ के BCM के ऊपर बैठ करके दीवार से सटा के रखिएगा BCM को पीठ को ताकि सीधा रख सके। अगर वैसे पीठ को सीधा रख के बैठ सकते बहुत बढ़िया। इसके अलावा शोल्डर्स के जो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उस पे शोल्डर्स का पॉइंट है कंधों का, उसके बाद इंडेक्स फिंगर के नीचे और जो स्मॉल फिंगर है उसके नीचे वहां पे भी शोल्डर्स का पॉइंट है, वहां पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी ले सकते हैं ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा जो स्पाइन पे आपको कमर में साइड में दर्द होता है या सेंटर में? नहीं ये बीच में रहता है कमर में बीच दर्द। में तो स्पाइन में लोअर हिस्से में एक्यूलाइफ से चेक कीजिए पॉइंट डिटेक्ट कीजिए और वहां पे कमर दर्द की थेरेपी लीजिए ठीक है। जी सर। ओके। और जो ये आंख की वजह से सर में दर्द आता है साइडों में दोनों साइड में उसके लिए हेड केयर कर लीजिए, आंखों का प्रेशर की वजह से होता है, प्रेशर कम होगा अपने आप जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं ना उसमें प्रेशर बढ़ता है तो वो सर दर्द भी होता है और आंखों में भी जलन और दर्द होने लगती है। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा कमर दर्द आपका जैसे ठीक, ये कंधे का दर्द जैसे ठीक होगा ना कंधे में कोई नस दबती होगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ ना बिल्कुल सुन सा हो जाता है ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है तो यही होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाने से तो सुन नहीं होता है, जैसे पैर सो जाता है ना वैसे हाथ सो जाता है। हाँ जी हाँ जी ऐसे बिल्कुल ठीक हो जाता है वो। BCM करना शुरू कीजिए हाथों से ठीक हो जाएगा। ओके सुनीता देवी सिंघवा जी ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए क्या करें सर? ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए अगर वो मैलिग्नेंट है तो उसका अलग होगा, मैलिग्नेंट नहीं है तो वो हेड केयर के मसाज से और OPC खाने से खत्म हो जाएगा। तो एक बार उसका जो रिपोर्ट जो मेमोग्राफी अगर हुई है तो उसका रिपोर्ट मेरे को इनबॉक्स में भेज दीजिए मैं आपको बता दूंगा। ये अजीज भाई अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। अजीज भाई जी अजीज भाई सवाल पूछिए। हेलो सर जी अगर दो मोबाइल साथ में रखे हुए हैं तो इको की प्रॉब्लम आएगी, एक मोबाइल दूर कर दीजिए या बंद और लॉग आउट कर दीजिए एक मोबाइल से। हेलो हाँ जी एक मोबाइल जब तक आप हटाएंगे नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं आएगी। एक ही मोबाइल ऐसे क्यों आवाज आ रही है? ओके जी बताइए बताइए अजीज भाई। चले ही गए। राजकुमार सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। राजकुमार सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हाँ जी सर जी जी सर ये पूछ रहा था जैसे एक हमारे गांव में एक बच्चा है जी लगभग
15 साल उसकी उम्र होगी, 16 साल जी। सर वो जन्म से ही मतलब आवाज ही निकाला नहीं है मुंह से, कभी बोला ही नहीं हो। बोला नहीं जी, कभी बोला ही नहीं है वो। कितने साल का है सर? लगभग 16-17 साल का होगा वो। सुन भी नहीं पाता होगा फिर तो? नहीं, सुनता है, सारा काम करता है, लेकिन मुंह से मतलब बोल नहीं पाता है। सुन लेता है? जी जी, सुनता भी है, सारा काम करता है। अच्छा, उसका बच्चों की तरह खेलता उसका है, सब कुछ करता है। थ्रोट का टेस्टिंग और ब्रेन का एमआरआई हुआ है सर? वैसे उस पर विशेष ध्यान नहीं दिए उसके घर वाले, तो उसके लिए मैं सोच रहा था सर मतलब प्री पोस्ट ऐसे मतलब कुछ किया तो आप मैं बताता हूँ। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो उसको हेड केयर का मसाज देना शुरू कीजिए, ठीक है, और BCM का स्टैंडिंग पोजीशन में देना शुरू कीजिए, और ब्रेन आर्टरीज पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू कीजिए। हाँ, उसके बाद जो थ्रोट वाले पॉइंट्स हैं, जो वोकल कॉर्ड्स जहाँ पे होते हैं, वहां पे भी एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू कीजिए। जी सर, ठीक है सर। ओके, और अगर अफोर्ड कर सकता है तो जिंक जिंक देना शुरू कीजिए। जी जी, इतना तो कर ही लेंगे सर। ठीक, ओके ओके सर, ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप ही लोगों की मेहरबानी है सर। नहीं नहीं सर, ये मेहरबानी तो सारी ऊपर वाले की और मिस्टर ली की है बस। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, सर, थैंक यू सर। ओके सर। नीतू गौतम जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। नीतू गौतम जी। हेलो जी। हेलो जी जी, पूछिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, एक लेडी है सर, मैंने उसको डिटेक्ट किया था, तो सर 8 मिनट पे डिटेक्टिंग से उसमें सीक्वेंस भी नहीं आ पा रहा था, बिल्कुल उसको सेंसिंग नहीं हो रही थी 8 पे भी। शरीर के किसी भी ऑर्गन पे नहीं हो रहा था किसी भी पॉइंट पे? और उसको न्यूरो प्रॉब्लम से रिलेटेड, गर्दन से नीचे का हिस्सा जो है और कमर के नीचे का हिस्सा, वो ज्यादा ही मतलब ऐसे लोगों की बॉडी बायोइलेक्ट्रिसिटी के लिए इनसेंसिटिव हो जाती है कई बार। उनको कुछ दिनों तक हेड केयर का मसाज और BCM की थेरेपी कीजिए, फिर वो एक्यूलाइफ का करंट भी लगने लगेगा उनको। जी सर। और सर एक और बच्ची है, उसको जन्म से ही वो डायबिटिक पेशेंट है। देखिए, जो जन्म से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, टाइप 1 केसेस होते हैं, इसमें कुछ गारंटी से बोल नहीं सकते कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों के शरीर में क्या होता है, पेनक्रियाज ही नहीं डेवलप हुआ, तो वो काम कुदरत का है, भगवान का है शरीर को बनाना जी। तो उसको हम एक ऑर्गेन अगर डेवलप नहीं हुआ है तो नहीं बना सकते, तो या तो आप पक्के तौर पे पता कर लीजिए कि उसका क्या है पेनक्रियाज का कंडीशन। अगर पेनक्रियाज है, फंक्शनल नहीं है, या उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, इंसुलिन बॉडी में बन रहा है लेकिन शरीर में काम नहीं आ रहा है, ये सब चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कितनी एज है अभी? अभी 12 साल है, और उन्हें उनके मतलब पेरेंट्स को अभी 3 साल पहले ही पता चला है कि कोई बात नहीं, उसको मतलब उसको जिम्निमा, 12 साल है तो जिम्निमा शुरू कीजिए, जिंक शुरू कीजिए, एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू कीजिए, और H-cup का पानी पिलाना शुरू कीजिए। जी सर, एटलीस्ट देखिए, हम अगर ठीक नहीं भी कर पाए, ले रहे हैं फिर भी उनका वेट नहीं लूज हो नहीं, अगर हम पहले मैं ये टाइप 1 डायबिटीज का बता लूं कि उसमें क्या कर सकते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ऐसा बंदा, जिसको जन्म से होता है ना, वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, और इंसुलिन शुरू हो गया तो वो 20 साल से ज्यादा नहीं जी सकता किसी भी हालत में, ठीक है, मैक्सिमम उसकी जो कम से कम 2 या 3 बार इंसुलिन लेनी पड़ती है। तो ये जो ट्रीटमेंट उनको बोलिएगा कि वो पूछेंगे आपसे कि ये हम H-cup एक्यूलाइफ, क्योंकि खर्चा ज्यादा लगता है ना लोगों को, वैसे तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर वो बोलेंगे कि इससे ठीक हो जाएगा तो बोलेगी ठीक हो ना हो लेकिन 4-5 महीने में इसका इंसुलिन बंद हो जाएगा, बिना इंसुलिन के शुगर नॉर्मल लेवल के आसपास रहेगा, तो अगर इंसुलिन से डिपेंडेंसी आपने हटा दी तो आपने उसकी उम्र कम से कम 20 साल और बढ़ा दी, ठीक जी सर। ओके ओके सर, एक और पेशेंट है जी सर, वो चिटोसन ले रहे हैं, उसके बाद भी उनका वेट नहीं लूज हो रहा है। चिटोसन वेट कम करने में हेल्प करता है, लेकिन चिटोसन अकेला वेट नहीं कम कर सकता। चिटोसन अकेला एक्चुअली उनको मतलब लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो ठीक है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने से वेट बढ़ता है और चिटोसन इसमें हेल्प करेगा, चिटोसन उसमें हेल्प करेगा, लेकिन साथ में उनको ओमेगा FOS स्पाइरुलिना एज डाइट रिप्लेसमेंट या प्रोटीन शेक हमारा FOS या फाइबर मिला के, और BCM एक्सरसाइज तो चाहिए, वेट लॉस तो बिना एक्सरसाइज के नहीं होगा, BCM तो मस्ट है। अभी तो उन्हीं के ऐसे ही लोगों के लिए तो ऑफर आया हुआ है, अभी BCM खरीदवाइए, साथ में उनका वेस्ट बैंड भी उन्हीं को दे दीजिए, बोले ले तू ही ले जा। जी सर, जी ले। थैंक ओके थैंक ओके।
राहुल कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा सर, एक अभी रिपोर्ट आई है मेरे पास किसी क्लाइंट की, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। उसमें शायद थायराइड और कैंसर से कुछ है प्रॉब्लम, मेरे को नहीं थोड़ा क्लियर हो पा रहा, मैं अभी भेज दूँ क्या? मुझे भी आंसर ठीक है, भेज दीजिएगा, मैं देख करके बता दूंगा। ठीक है सर, अभी भेज देता हूँ मैं। ओके जी। मौसमी सिंह अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जावा सर को भी गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा सवाल ये है सर कि एक लड़का है 35 इयर्स का जी, उसको सर टाइफाइड हो गया है, ठीक है, और उसको शुगर भी है और बहुत पतला दुबला है। टाइफाइड हो गया है, शुगर भी है और बहुत दुबला पतला हो गया है। इसके अलावा चिटोसन दीजिए और डायबिटिक प्रोटीन दीजिए। ओके सर, तो सर अभी ये सब चला है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर, और थेरेपी में सर वो हाइड्रोजन एच कप का पानी देना। एच कप का पानी दीजिए, एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए, बीसीएम कराइए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों ही चीजें। अभी टाइफाइड जब तक है, जब तक टाइफाइड है तब तक बीसीएम मत कराइए, टाइफाइड पूरी तरह से ठीक होने के बाद कराइए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। अजीज भाई फिर से आ गए। अजीज भाई अपने आपको अनम्यूट कीजिए। हेलो सर जी। हेलो सर, कैसे आप? सर मैं कुवैत से हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ शुरू करूँ। मैंने क्वांटम मशीन भी ला के रखी है सर, मैंने 50-100 आदमी से करवाया, सबका रिजल्ट फाइन, एकदम सब तैयार है सब, और मेडिसिन नहीं आ रही क्योंकि अभी एविएशन बंद है। मेरा सवाल मेरा अपने लिए, एविएशन चालू हो गया, मेडिसिन भी पहुंच जाएगी। ओके, आप इधर भेज सकते हो ना बीसीएम मशीन भी? हाँ, आपके स्पॉन्सर कौन है, किन्होंने आपको टीएनएस में ज्वाइन कराया है? मुझे एक आदमी काइद भाई नाम, काइद बुरहानी हेल्थ सेंटर, दाहोद से, बुरहानी हेल्थ सेंटर, काइद नाम का आदमी है। ओके, और शर्मा जी इंदौर से, वहां से मैं काउंसलिंग कराता हूँ मैं। ओके, जो भी रिपोर्ट आता है ना वहां से काउंसलिंग में करवाता हूं। तो उन्हीं से हेल्प ले लीजिएगा, वो कर देंगे। अगर वो हेल्प नहीं कर पाते किसी वजह से तो मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल है anurag.all.smiles करके, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ के फ्रेंचाइजी डिटेल्स दे दूंगा, वहां से आप प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है? अच्छा सर, मेरा खुद का एक सवाल है जी। मैंने 3 साल पहले मुझे फीड आया था। हाँ, 3 साल पहले। पूरा शरीर, पूरा जिस्म अकड़ गया था मेरा। ओके, जरा भी हिल नहीं रहा था, तो फिर धीरे 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 अभी नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी ये मैंने सीटी स्कैन कराया, एमआरआई करवाया, ईईजी करवाया, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है जी। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी में कोई प्रॉब्लम, फिर भी मुझे ये टैबलेट चल रही है मेरी अभी। नहीं नहीं, आप टैबलेट को अभी चल रही है, आप हेड केयर और कैप्रा चल रही है, कैप्रा टैबलेट चल रही है। ओके ओके ठीक है जी सर। इसमें ब्रेन आर्टरीज का लचीलापन बढ़ जाता है, उसके लिए ये देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप हेड केयर का मसाज और बीसीएम रेगुलर कीजिए तो आप ये टैबलेट बंद कर सकते हैं जी। सर बीसीएम अभी कहा ना, आप जिनके कॉन्टेक्ट मेडिसिन में, नहीं वो पहुंच जाएगा, आप जिनके कॉन्टेक्ट में है उनसे पूछ लीजिए। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है anurag.all.smiles, उस पर आप इनबॉक्स में आ जाइए, मैं आपको बता दूँ, ठीक है? दुबई में कहीं एरिया में अवेलेबल है सर? जी, मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसे तो जिनके साथ आप जुड़े वो भी करवा देंगे, जो भी पॉसिबल होगा। अगर यहाँ से भिजवाना होगा तो यहाँ की जो फ्रेंचाइजी आपको भिजवा सकती है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी जी। केवा कॉन्टेन मशीन बहुत काम कर रहा है, बहुत काम जी, कर रहा है, एकदम बेस्ट रिजल्ट दे रहा है सबको, एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है। थैंक्स सर जी, ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। विशाल भारद्वाज 6-4 अंबाला अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये पूछना था मेरे को, मेरे ब्रदर को शुगर थी जी, तो अब उनको थोड़ा ठीक हो रहा है उनका, तो उनकी एलोपैथी कम कर सकते हैं सर? हाँ ठीक हो रहा है तो उनका एलोपैथिक के डोजेस पहले हाफ कर दीजिए,
फिर एक दो महीने के बाद पूरे बंद कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कभी बार क्या होता है एलोपैथी हाफ करने से या बंद करने से शुगर की वैल्यू में 10-20 का फर्क आ जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो टैकल हो जाएगा। लेकिन अचानक से बहुत 60-70 का फर्क आ गया तो फिर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार शुगर टेस्ट कीजिए, हाफ कीजिए, फिर एक हफ्ते बाद टेस्ट कीजिए, अगर 10-20 का फर्क आया है तो कोई बात नहीं, बंद रहने दीजिए। फिर एक दो महीने के बाद जब थोड़ा नॉर्मल पे आ जाए फिर से पूरा ही बंद कर दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। ओके, यानी कि हाफ बंद कर सकते पहले हम। हाँ, हाफ डोज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ओके डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल है, हैंड रेस तो ऐसे फिर और हो गए हैं, तो अभी हम रेगुलर चलाते नहीं है, लोगों को बोले अभी हैंड रेस मत करें। जैसा आप कहिए सर। हाँ जी, जैसा आप कहिए सर, क्योंकि 11 बज गए, आप बताइए। मुझे कोई दिक्कत नहीं सर आपके। आप सर वो कहते हैं ना, वो मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम मुंबई द्वारा, जो बोला पार्टी में मेरे बुलाने से लोग आए हैं तो मेरे बुलाने से जाएंगे, तो आपने मीटिंग में, आपकी मीटिंग है, आप जब बोलेंगे तब तक चलाएंगे। चलो तीन एड्रेस हैं, इनको कर लेते हैं, इनके बाद जी राधे श्याम जी के बाद किसी को नहीं लेंगे, ठीक है। राधे श्याम की, और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, मंडे से एक्यू लाइव का सेशन स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, जो 7 से 9 का होता है हमारा, तो हम 6:45 से 8:45 तक करेंगे, 6 दिन का सेशन, उसके 600 रुपए जो चार्जेस है। आपको ऑलरेडी मैसेज मिल चुका है, जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, गुरविंदर जी हैं, और गुरविंदर जी हमारे सिल्वर लाइन जुड़े हुए हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं और मैं देख लेता हूँ कौन कौन है, साफी मोहम्मद जी भी जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स हमारे, जितने भी लीडर जुड़े हुए उनको सबको बोलूंगा कि 15 का बैच फिर कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लोग एंटर नहीं कर पाएंगे, और एक्यू लाइव वैसे आ भी रहा है, एक दो दिन में पहुंच जाएगा, 2-3-4 दिन में, जी। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको ऑलरेडी मैसेज गया हुआ है आपके लीडर्स को, तो आपको मैसेज नहीं पहुंचा तो दोबारा से भी भेज देंगे, तो आप अपने लीडर से ले सकते हैं, तो इतना मैसेज देना था डॉक्टर, प्लीज कंटिन्यू जी। विवेक जॉन, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। विवेक जॉन, विवेक जॉन नहीं आ रही उनकी आवाज। संदीप रॉयल टाइगर टीम, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। संदीप रॉयल टाइगर टीम। यस 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 सर जी, बताइए सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी हमारे यहाँ छोटा सा हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया गया, तो एक गर्ल्स आई हुई थी, तो उनका वेट सर अभी, उनकी उम्र अभी 18 साल पूरा हुआ है, और उनका वेट जो है तेजी से अब बढ़ना शुरू हुआ, करीब 10 किलो का वजन उनकी उम्र के हिसाब से अबव जा रहा है, तो ऐसे में उनको हम सप्लीमेंट में अभी क्या दें सर? सप्लीमेंट में उनको स्पाइरुलिना, उनको बोलिए कि डाइट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, जंक फूड कम कर दें, फैट ट्रांसफैट कम कर दें अपने खाने में, और साग सब्जी सैलड वगैरह बढ़ा दें, सुबह ब्रेकफास्ट में डिनर में दाल और सैलड लें बस, और साथ में स्पाइरुलिना के 4 कैप्सूल ले लें, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। पहली चीज BCM की थेरेपी कराइए, ठीक है। और अगर उनका वेट पियर शेप में बढ़ रहा है, मतलब अगर हिप्स पे, कमर पे और थाइज में ज्यादा वेट बढ़ रहा है, तो एक बार उनका बोलिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, हो सकता है PCOD PCOS की प्रॉब्लम हो, इस उम्र में इतना ज्यादा वेट शूटअप इन रीजन से ही ज्यादा होता है। पीरियड्स नॉर्मल है कि नहीं ये चेक कीजिए, ठीक है। ये सर एक सवाल और था कि लेडीज है, पेशेंट है, तो उनको सर पाइल्स हैं, और उनके जो वजीना में है सर वो रेड के रेड डॉट्स बने हुए हैं, जो जिसको कहते हैं मस्से जैसे हैं, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? OPC टीपॉली जिंक पैंटीलाइनर, पाइल्स के लिए तो जो कॉन्स्टिपेशन का इलाज है वो कीजिए, HCUP चिटोसन FOS की मदद से, और वहां पे भी जहां पे पाइल्स में अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, Yes, sir. ब्लीडिंग पाइल्स है, तो फिर वहां पे पैंटीलाइनर के ऊपर चिटोसन स्प्रे करके वो गीला करके लगाइए। सर आपने जो सप्लीमेंट बताया था सर, वो जिंक स्पाइरुलिना किस चीज के लिए? यही सर, इसी पाइल्स के लिए। पाइल्स के लिए उनको दीजिए चिटोसन FOS yes. और HCUP का पानी। यस यस ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन सर। राधे श्याम जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी सर, ये मेरे को डायबिटीज है, और मैं 4 महीने जिम ले रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल है जी, और जैसे अभी गुड़ जो अपन खाते हैं, तो क्या गुड़ का भी इसमें आता है क्या इफेक्ट? हाँ, गुड़ में भी होता है, गुड़ में भी शुगर है, तो ये मतलब
जैसे डायबिटीज एक नॉर्मल कब मानी जाएगी है? जब आपके नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, डायबिटीज के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो ना रहे तब हो जाएगा। और जब आप मतलब टाइम लगता है थोड़ा ठीक होने में, ठीक होने का दवा बंद करने के 6 महीने बाद भी अगर नहीं फर्क आए तो आपको माना जाएगा कि आप ठीक हो चुके। अच्छा सर, ठीक है। आप अभी जिमनिमा ले रहे हैं? जिमनिमा ले रहा हूँ सर, और मैं ओमेगा ले रहा हूँ, इसके अलावा चिटोसन ले रहा हूँ। ओके, इसके अतिरिक्त तो आपका वजन नॉर्मल है? आपका वजन नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है सर। ठीक है, इतना ही काफी है। पहले तो 173-178 तक उड़ता था फास्टिंग, लेकिन अभी 120-110-99 इस तरह से रहता फास्टिंग। एलोपैथी आपने बंद कर दिया? एलोपैथी मेरे को 3 टाइम्स करिए प्राइज, लेकिन मैं 2 टाइम्स लेता हूँ, दोपहर में और शाम को ही। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका 1 टाइम कर दीजिए अभी, ठीक है, और धीरे धीरे उसको बंद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी सर। एक चीज और था कि ये बाल्डनेस है जो है, हाँ, तो फैमिली हेरिडिटी है, तो इसमें बच्चों के उसको रोकने के लिए कुछ बच्चों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देखिए, जिंक हर 3 महीना दीजिए, 3 महीना बंद कीजिए, जिंक मल्टीविटामिन देते रहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स देखिए, खाने में जो डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स बदल बदल के, कभी 2-3 महीने स्पाइरुलिना चला दिया, कभी मल्टीविटामिन चला दिया, कभी जिंक चला दिया, ये 3 चीजें चलाते रहिए, वो प्रिवेंटेड रहेगा। बीसीएम रखिए घर में, घर के सभी सदस्यों को बोलिए रोज 15 मिनट बीसीएम करने के लिए। सर बीसीएम अभी खरीदी इतने अच्छे ऑफर में, तो अभी खरीदिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर बाल्डनेस नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए। और सर एक और की जो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए मतलब हेल्दी डिलीवरी के लिए क्या एडवाइस? हेल्दी डिलीवरी के लिए उनको जिंक और स्पाइरुलिना दीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिंक दे सकते हैं, स्पाइरुलिना नहीं, एफई प्लस भी दे सकते हैं, ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है केस में तो ये सब दे सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है केस में, अगर डॉक्टर ने बताया तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद दीजिएगा, बाकी एफई प्लस को दे ही सकते हैं क्योंकि एफई प्लस ऑलरेडी उनका आयरन चल रहा होगा, जिंक दे ही सकते हैं, जिंक सेफ है, स्पाइरुलिना के लिए एक बार कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है सर। ये कितना जिंक और ये नॉर्मल डोज, जिंक के 2 कैप्सूल, एफई प्लस के 2 कैप्सूल डेली, यानी 1 कैप्सूल लंच के बाद, 1 कैप्सूल डिनर के बाद, दोनों जी। ओके ओके, हाँ जी डॉक्टर साहब जी, अब लास्ट रह गया सुभाष फ्रॉम मस्कट। सुभाष जी अपने आपको अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए फटाफट आखिर। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार सर। जो खराटे बहुत आते हैं हमारे, खराटे बहुत आते हैं, उसका कारण और निवारण दोनों बताइए आप। तो सर खराटे बहुत, खराटे के तो कारण कई सारे होते हैं, आप एक काम करो, एक्यूलाइफ है आपके पास? नहीं सर, मस्कट में तो जो फ्रेंचाइजी नहीं है कोई, एक्वालाइफ हम अभी घर पे खरीदे हैं, हम तो मस्कट में है ना। हाँ तो क्यों कुरियर से मंगवा लीजिए, और मेरे को लाइफ से, हाँ मैं आप मेरे को एक्यूलाइफ की व्यवस्था कीजिए आप, और मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे मार्क करके कि कौन कौन से उसके 4-5 पॉइंट है जिसपे आपको थेरेपी लेनी होगी, ठीक है। अच्छा, स्नोरिंग की प्रॉब्लम बंद हो जाएगी, कराटे कराटे तो एक्यूलाइफ की वजह से बंद हो जाते हैं, टेंशन मत, लेकिन पहले आपको एक्यूलाइफ अरेंज करना होगा, उसके लिए घर में बात कर लीजिए कि कुरियर वोरियर घर से, कभी कोई सामान मंगाया कुरियर से? कुरियर से तो नहीं आया, मतलब आदमी लोग आते रहते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के हाथ मंगा लीजिए, छोटी सी मशीन है वो। हाँ वो तो सही है, अभी तो हम खरीदवाए, अभी मतलब अभी ऑर्डर में ही है। ओके कोई बात नहीं, तो दूसरा खरीदवा लीजिए एक अपने लिए, अभी तो ऑफर भी चल रहा है, 2-2 चीजें मिल जाएगी आपको फ्री गिफ्ट। हाँ सर, ओके सर। हाँ जी रॉक साहब जी सर, हाँ टुडे सेशन क्वेश्चन आंसर इतना जबरदस्त रहा, और जो आपने क्वेश्चन आंसर के जवाब दिए सो फैंटास्टिक, थैंक यू। मतलब एक्चुअली में मैं मोबाइल पे था तो सारे मैसेज तो ऐसे चले गए थे, बाद में मैंने इसको इस पे डाला तो मैसेज काफी आए हुए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सेशन है, इसमें भी कुछ बहुत लोगों ने बहुत ही बढ़िया आज का सेशन बताया, और जबकि हमने ये भी शेयर करना था हमारा बोनेजा, पर अब टाइम ही नहीं है, तो बोनेजा सबको मालूम ही है, बोनेजा का मैंने बीच में थोड़ा बताया था सर शुरुआत। अच्छा हाँ, उसने बता दिया था, मैं गाड़ी में था तब, तो आपने बोनेजा ऑलरेडी बता दिया, और मतलब ये जो आपको मैं बताऊं डॉक्टर साहब, जो 11 तारीख का अभी हमारी क्लोजिंग हुई है जी सर, तो मैं अभी 20 शेयर पे अपना चेक कर रहा था, जितनी मेरे महीनों में सेल होती थी पूरे महीने में करोड़ों में, वो ऑलरेडी 11 तारीख को कंप्लीट हो चुकी जी, ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे पिछले महीने का जो TNP भी था मैं भी क्रॉस कर चुका हूँ ऑलरेडी।
हाँ तो जो महीने का टीवी था वो हमने आधे में कर दिया है। गुरविंदर जी का भी बहुत अच्छा काम हुआ है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और सुखीजे जी का भी बहुत बढ़िया हुआ है। कुछ मेरे जो चेहरे अभी मेरे को दिखाई सर एक्यू लाइफ आने तो दो और जबरदस्त होगा, बहुत सारे लोग तो दबा के बैठे एक्यू लाइफ के इंतजार में। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जबरदस्त होगा और मतलब हजारों में लोग जो है ना ये क्या कहते हैं आपका ओरा पेंट जॉय पेंडेंट और साथ में वेस्ट बैंड क्वालिफाई। मुझे तो लग रहा है कि लास्ट में कंपनी को ऐसा ना करना पड़े कि भाई ये वेस्ट बैंड खत्म हो गए, इसके बदले में कुशन ले लो। राइट राइट राइट। तो आपके लिए एक एक सेकंड कीमती है। अभी मेरे कोई मैसेज भी आ रहे थे राजकुमार जी का, उनको भी मैंने बताया कि ये मौका है आपके लिए, आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन गोल्ड लाइन जा सकते हैं। और आने वाले टाइम में कार फंड है, और चाहे वो आपका विला फंड है, सॉरी कार फंड है, चाहे वो आपके टूर्स होंगे, चाहे आपकी रॉयल्टीज होंगी, सब में आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक एक सेकंड जी सर। तो भागिए दौड़िए। मैं तो देखो मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा था, मैं एक मीटिंग देख ही आ रहा था, वहां से ऑलरेडी जो है ना सीधा एक 2.5 लाख का काम हुआ, तो 6 IDs गोल्ड रखने वाली है। तो अब काम कर रहे हैं, क्या करें, काम तो करना ही है, बढ़ाना है, क्योंकि हमें लगता है कि करोड़ों रुपए महीने पे पहुंचना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में, और टीम भी तभी पहुंचेगी। तो आपको भी बहुत बहुत डॉक्टर साहब बहुत थैंक यू वेरी मच कहना चाहूंगा, मतलब रियली दिल से वंडरफुल सेशन। मेरे को लगता है सभी लोगों ने यही महसूस किया होगा, और जो क्वेश्चन आंसर है 300 लोगों तक जुड़े, बहुत ही वंडरफुल था। तो अभी मैं किसी की शेयरिंग तो ले नहीं रहा, टाइम है नहीं मेरे पास, तो सभी की तरफ से मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगले सेशन फिर हम सैटरडे को डॉक्टर अनुराग का रखेंगे, बाकी कल रात को 9 बजे फिर हम 8:50 पे पैनल ओपन करेंगे, जुड़ जाइएगा 9 बजे। जैसे आज 9:03 पे सेशन स्टार्ट हो गया था ऐसे ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्दियां आ गई है, कुछ लोग हमें कह रहे थे कि लेट स्टार्ट होता है 11, तो ये तो खैर जो जुड़ा हुआ अच्छी बात है, जो सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 बजे का सेशन तो हर व्यक्ति अटेंड कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे चेहरे स्माइल करते हुए, मौसमी सिंह जी बहुत बढ़िया स्माइल कर रही है, मौसमी सिंह जी इस बारी, और पवन दुबे जी को मैं बोलना चाहूंगा कि टारगेट को स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो दिन निकलते जा रहे हैं। ठीक है, आपने लास्ट टाइम बहुत बढ़िया किया था, फैंटास्टिक, और इस बार तो आप 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं, 4 गुना ज्यादा, ध्यान रखिएगा जी सर, ये प्रमोशन ही ऐसे है। कोमल बनवानी जी स्माइल करते हुए, मंजू जैन जी बहुत ही बढ़िया, और मस्कट से हमारे सुभाष जी और विक्रम पाल जी स्माइल करते हुए, मेघना शर्मा, गुरविंदर जी बहुत जबरदस्त लग रहे हो आप, पगड़ी शगड़ी पहन के, मुझे लगता है आपने कोट पहना हुआ तो काम पे निकले हुए, तो आज हम शेयरिंग नहीं ले रहे हैं। और सुखीजा जी ब्रॉन्ज लाइन चंडीगढ़ से, हमें समझ गया आप हैप्पी बजाज जी के साथ है काम, इसका मतलब चालू है। राधे श्याम सैनी जी, योगेश कुमार जी मुजफ्फरनगर से, देखिए ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए गुरविंदर जी अभी भी हैप्पी जी के साथ अबोर में है, वो पटियाले के रहने वाले हैं, काम चल रहा है, तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये जो प्रमोशन आई है ये आपकी लाइफ में कितना बढ़ा सकती है। निर्मला 5 स्टार, कलावती कानपुर से, तो ये सभी लोग जो है ना, ये सभी लोग स्माइल करते हुए, और काफी लोगों के घर, कलावती कानपुर से, और निर्मला जी और सोनल पटेल जी ब्रॉन्ज लाइन भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, क्या बात है, आप भी 11 बजे तक जुड़ी हुई है तो आप ब्रॉन्ज लाइन, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट अनिल बायदा, अनिल बायदा जी। उसके अलावा सत्येंद्र प्रताप 6 स्टार कानपुर से, अखिलेश कतियार और सुरेश प्रसाद, मंजू देवी 7 स्टार, तो ये सभी को मैं कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट। एंड डॉक्टर साहब अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, प्रमोशन को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। और प्रमोशन की तरफ अगर सर रहे, एक एक सेकंड कीमती है, दिन हो रात हो बस लगे रहे, लोगों को फायदा दे जी, जी। और उनको हेल्थ पहुंचाए, वेल्थ पहुंचाए, और टियांस आपको वो दे देगी जो आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा जी। तो थैंक यू गॉड, एंड थैंक यू टू अवर फैमिली, थैंक यू टू मिस्टर ली चिन्योन, पूरी हमारी अपलाइन का, पूरी हमारी टीम का, एक एक व्यक्ति का, इंडिया का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। मेरे फेसबुक के दोस्त जो अभी तक जुड़े हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में, उन सबसे भी मैं विदा लेना चाहूंगा। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने लास्ट में क्वेश्चंस पूछे हैं, सबके क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा डिनर वगैरह कर लूं, उसके बाद आज रात में या कल सुबह मैं मैसेज में, जिनके लिए जरूरी होगा मैं उनको इनबॉक्स में भी मैसेज करूंगा। तो कल तक आप लोग डायरेक्ट इसी मैसेज का रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई, या फिर इनबॉक्स अपना चेक कर लीजिएगा, आपको सबका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।